Yang pratajan tangan pitam apetam kritam Vaipayana viravata tar ajubhava Putri ditanmaya daya taravo vinegum Stam sarva bhota hidayam munivana tusmi Narayana namaskritta naranchaiva narutamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jaya Mudirai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivadadi Gauru Bhakta Vrinda Ekbar Hath Uthaiye Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama राम राम हरे हरे जोर से बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्यलीला प्रदक्षिणम विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। देखो आज हम लोगों का बहुत बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने का हमें ठाकुर जी सुजग दिए। गुरु जी की प्रेरणा है, जगत में ऐसे कुछ काम हैं, अगर हमारे पास में पैसा हो, जो काम को हम पैसा के बल पर कर सकते हैं। जगत में ऐसे कुछ काम हैं, अगर हमें कोई मदद करने वाले हो, जन बल हो, जो काम को जन बल से कर सकते हैं। लेकिन उससे जो ज़्यादा बल है, कभी ये मन की बल है। अगर हमारे पास में कुछ भी नहीं हो, लेकिन अगर हमारे पास में मन की बल हो ना, जो काम को हम कर सकते हैं। लेकिन इस जगत में जो सबसे बड़ा बल, आपको पता है जगत में सबसे बड़ा बल क्या है? कभी आत्मबल है। अगर हमारे पास में आत्मबल होना, हम जो काम को कर सकते हैं। लेकिन गुरु जी की कहना है, ये श्रीमद् भागवत कथा को रखना और ये सुनना, न तो कोई जन बल से कर सकते हैं, न तो कोई मन बल से कर सकते हैं, न तो कोई आत्मबल से कर सकते हैं। बोले जब तक ठाकुर जी की और गुरु जी की कृपा की बल नहीं हो, कभी ये कथा कोई रख भी नहीं सकते, कथा कोई सुन नहीं सकते। देखो ये कथा कैसे हुई है, यहाँ पर कथा की कोई बात थी मैंने? ये जिस डेट में कथा होने वाली थी ना, मेरी पांच भागवत कथा कैंसिल हुआ, पांच पांच कथा कैंसिल हुई है। अभी हम सोच रहे थे कथा कहाँ करें, कथा कैंसिल हो गया। अभी प्रभु जी हमारे पास में आए थे, मैंने कहा भैया कुछ दिन पहले ये कथा कैंसिल हो गई, कथा को तुमने आगे बढ़ा दिया, कहीं कथा हो सकती है? इन्होंने पहले हमें कहीं पूछा था कथा करने के लिए, मैंने कहा भारती दीदी को बोलो, हो सकता है, वो बोल रही थी कथा कराने के लिए, हो सकता है कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। प्रभु जी अरे इनसे बात की, बात करके बोले कोई बात नहीं, भक्त लोग राजी हो गए हैं, इसलिए भारती दीदी राजी हो गई, बोले कोई बात नहीं, हम कथा करवाएंगे कथा को, इसलिए कि ये कथा हो गई। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते, बोले परीक्षित, बोले एक जन्म नहीं, बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। कहते एक जन्म नहीं, कहते करोड़ों जन्म का जब कोई पुण्य उदय होता है, तभी ये भागवत कथा कोई रखते हैं और ये भागवत कथा कोई श्रवण कर सकते हैं। इसलिए ये बात को शंकर जी पार्वती को कहते हैं।
शंकर जी कौन है? कहते देव देव महादेव है, जो सत्यम शिवम सुंदर। वो किसको सुनाते हैं? कहते जगदम्बा जगत जननी को ये बात सुनाते हैं। बोले पार्वती, जगत में सब चीज आसानी से मिलती है, जगत में सब चीज सुलभ है, स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत दुकान मकान एक पापी को पास में भी हुआ करते हैं। लेकिन पार्वती, ये जगत में एक चीज बड़ा दुर्लभ है। तब मैया पार्वती प्रश्न करती हैं, बोले प्रभु आप किस चीज की बता रहे हो, जगत में दुर्लभ कौन सा चीज है? शंकर जी कहते हैं, बोले सत्संगति के दुर्लभ संसार, सत्संगति दुर्लभ संसार, तुलसी सत्संगत में ना से कोटि अपराध है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अगर जीवन में एक घड़ी आधी से पुनी आध, अगर इतना समय अगर जगत में सत्संग मिल जाए तो जीवन का सारे क्लेश जीवन का सारे दुख कष्ट खत्म हो जाते हैं। इसलिए पार्वती, जगत में ये सत्संगति दुर्लभ संसार, संसार में ये सत्संग बड़ा दुर्लभ है। मैया पार्वती कहती सत्संग कहाँ दुर्लभ है? देखो भारत की और हमारे भक्त लोग मिलकर कथा करवाए ना, लगता है घर घर में गए होंगे, सब पर निमंत्रण दिए होंगे, भैया भागवत कथा हुई है, ये महाशिव मंदिर में कथा हुई, कथा सुनने के लिए आओ, कथा सुनने सब पर निमंत्रण दिए होंगे ना, सब कथा सुनने के लिए आओ, ये दुर्लभ का ही तो सुलभ हो गया। लेकिन शंकर जी कहते पार्वती, ये सारे काम तो करके लेकिन कोई आएगा नहीं। शंकर जी कहते हैं, आबत सरति कठिनाई अगर किसको पता चले ना, शाहरुख खान आ रहा है, सलमान खान आ रहे हैं, ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन आ रहा है, अगर कोई बोल देना इस मंदिर में आएगा, बताओ कितने लोग आएंगे? ये कथा सुनते ही प्यार में प्यार रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा, इतने लोग पहले से आकर के हैं, पहले से आकर के खड़े हो जाएंगे देखने के लिए। लेकिन अगर किसको बोलो भैया भागवत कथा हो रही है, कथा सुनने के लिए, बोले देखो मेरे को जो काम है काम को निपटा करके आ जाए, नहीं तो पति लोग बोले देवी तू चले जा, मैं अपना काम निपटा करके ना हाँ एक दिन के लिए देख लूंगा। लेकिन कहते भैया तू खुद निपट जाओगे, लेकिन काम कभी नहीं निपटेगा, ससुर का काम अभी तो किसने निपटा पाया, एक को समझ सको दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, हैं जैसे मकड़ों जैसे जाल बनाते हैं ना, तीन तीन प्रकृति हम ऐसे फंसते फंसते जा रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, अगर मेरे तरफ में एक कदम बढ़ाओगे ना, मैं तेरे तरफ में 10 कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन तो एक कदम मेरे तरफ में बढ़ा कर देखो तो सही में क्या करता हूँ, तो मेरे लिए करके देख, तो फिर देख लेना मैं तेरे लिए क्या करता हूँ। इसलिए अगर किसी भगवत काम में भगवत कथा में अगर हम आएंगे तो ठाकुर जी हमारे सारे काम कहते ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती बड़ी अति हरी कृपा,
तब पार्वती प्रश्न करती है, बोले प्रभु अरे भागवत कथा में कौन कौन आते हैं, ये कथा सुनने पहले कौन कौन आते हैं। शंकर जी कहते पार्वती बोले अति हरि कृपा जा परो अति हरि कृपा जा परो एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। शंकर जी कहते पार्वती जिसको ऊपर में ठाकुर जी की डायरेक्ट कृपा हो, एकदम सीधा इधर उधर नहीं, पूरा किसको ऊपर ठाकुर का पूरा नजर पड़ जाए, सीधा कृपा हो जाए। शंकर जी कहते पार्वती अति हरि कृपा, थोड़ी बड़ी कृपा नहीं, विशेष कृपा अगर पार्वती किसको प्रति हो जाए, बोले पाप देही संगत सोई, पार्वती वही व्यक्ति ये भागवत कथा में आ सकते। मतलब उदाहरण देते हैं, जैसे हमारा अपना घर में बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं, तो घर में शादी हो रही है, बताओ तो उसमें कौन कौन आएगा, बता कौन आएगा, आप जिसको निमंत्रण कार्ड दो वही आएगा ना। अगर तुम्हारी 9 इंच दीवार को पास में एक घर है, आप उसको नौता मत दो, लेकिन 1000 किलोमीटर में कोई एक व्यक्ति है, अगर नौता दो तो कौन आएगा बताओ, आपके घर में कौन आएगा, आप जिसको नौता दो वही आएगा ना। इसलिए कृष्ण शंकर जी कहते पार्वती जैसे कृष्ण बंसी बटे को नीचे खड़े होकर बंसुरी तो बजाए, लेकिन वहां पर तो ब्रजवासी सखा सखी पिता माता सब थे, लेकिन वहां पर कौन आए, वहां पर केवल गोपियां ही आए, केवल ब्रज की गोपियां आए। बोले क्यों, बोले कृष्ण बंसुरी बजा करके उनको ही बुलाना चाह रहे थे, इसलिए वहां पर बहुत थे लेकिन सभी के कान में बंसुरी की आवाज पड़ी नहीं। उसी तरह यहाँ पर श्री कन्हैया भागवत कथा रूपी बंसुरी तो बजाए, लेकिन स्थान का नाम क्या है, इस जगह का नाम क्या है, टैगोर गार्डन है, लेकिन यहाँ पर बहुत गोपियां गोप है, लेकिन सबको कान में बंसुरी की आवाज पड़ी नहीं, किसको पड़ी जब यहाँ पर आए, क्योंकि कन्हैया आपको बुलाना चाह रहे थे यहाँ पर, ये बंसुरी की आवाज तुम्हारी कान में पड़े और तुम लोग आए। इसलिए कृष्ण जब गोपियां आई ना, कृष्ण कहते स्वागतम मे महाभागा, कहते हम तुम सबको स्वागत करते हैं, जगत में सबसे बड़े भाग्यवती तुम लोग हो, क्यों सबका संसार में कुछ ना कुछ काम है ना कि नहीं, लेकिन सब चीज को पीछे करके जो भगवान को पास में आते हैं ठाकुर जी सबको स्वागत करते हैं, तुम लोग बड़े सौभाग्यवान जो कि रास में आए हो। और जो लोग ये भागवत कथा सुनने के लिए आए, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्रीमद् भागवत कथा वृंदावन की जय। हम लोग कोई जयकार नहीं करते, कोई जय कोई है बोल रहे, भगवान की जितने जोर से जयकार करोगे ना क्या होगा जानते हो, बगला में कहते जय देने से जय होता है, भगवान का तो जय जय है, तो जितने जोर से जयकार देगा उतना उतना पाप निकलेगा और उतना पुण्य होगा, उतना उसको सुकृति मिलेगी। इसलिए जोर से एक बार बोलो श्रीमद् भागवत कथा वृंदावन की जय। अभी लग रही कथा हो रही, इसलिए बड़े सौभाग्यवान को जीवन में ये भागवत कथा सुनने को तभी मिलता है, साधारण भाग्य से कथा जीवन में नहीं मिलती है। कभी जो श्रीमद् भागवत कथा, कभी कथा साधारण नहीं, ये कथा साधारण कथा नहीं। इसलिए कोई कोई कहते ना, अरे कहते कथा में जाओ कथा में जाओ कथा में जाओ, कथा में जाने से मिलता है क्या, कोई बोलेगा ना भाई कथा में जाने से क्या मिलेगी, तब राधा रानी कहती भैया कथा में तुम्हें जितने फायदा होगा
दुनिया में और किसी बिजनेस में तुम्हें इतने फायदा नहीं होगा। ये कौन कह रही है? राधा रानी खुद कहती है, तथा में सबसे ज्यादा तुम्हें लाभ होने वाली। बोले क्या लाभ होने वाली है? राधा रानी कहती है, कथा सुनोगे ना तुमको सात फायदा होगा। कितना फायदा होगा? आज मैं बोलूंगा और कल आपसे सुनूंगा, ठीक है? मैं देखूंगा कौन मेरे को बोल पाता है, जो बोलेगा ना उसको इनाम दूंगा, ठीक है? इसलिए कम से कम सात फायदा मैं बोलूंगा, लेकिन आप लोग एक एक मेरे को सुना, दो में सुनाने का जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, आप लोग एक एक मेरे को सुनाना, एक एक क्या फायदा है। इसलिए ये बात को राधा रानी खुद कहती है। बोले कब कहती है? जब भगवान कृष्ण रास कर रहे थे, रास करते करते राधा रानी की मान हो गई। बोले क्यों? देखा एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। राधा रानी सोच रही है कृष्ण सबको साथ में जब है, मैं राधा हूँ। राधा मतलब क्या? कृष्ण को जो विशेष करके आराधना करती है, सेवा करती है। बोले कृष्ण सबको पास में, कृष्ण मेरे पास में, तब मेरी क्या महत्व रह गई है? इतने में राधा रानी मान करके चलूंगी। कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए उन्होंने राधा जी को साथ में चले गए और कुंज में बैठा करके राधा रानी को मना रहे थे। इतने में गोपियां ढूंढते ढूंढते आई। कृष्ण राधा जी को बोले राधे चलो यहाँ से और कहीं चले जाते, क्योंकि अगर गोपियां देख लिया मैं तेरे को अकेले लेकर के आया हूँ ना, सबके सब मान करके बैठी जाएगी। अभी सबको मान मनाओ ना, रास करो, इसलिए चलो यहाँ से। राधा रानी बोले मैं नहीं चल सकती हूँ, जैसे मेरे को रास से उठा करके ले आए थे ऐसे मेरे को ले चलो। बोले क्या कंधे पर बैठोगे? बोले बैठा दो। बस राधा रानी बैठने गई तो कृष्ण वहीं से अंतर ध्यान हो गई। इतने में राधा रानी तो वहीं पर बेहोश होकर पड़ गई। इतने में गोपियां आई, राधा जी को बहुत दिलवाई। बोले देखो कृष्ण को भजन बहुत प्यारा है, चलो हम जमुना किनारे में बैठ करके उनकी भजन गाएंगे, उनकी भजन गाएंगे। भजन कृष्ण को सबसे प्यारा भजन है। तब राधा रानी कृष्ण कथा की महिमा को गाते गाते तो उसमें एक श्लोक गाती है। वो श्लोक क्या है? बोले तब कथा अमृतम तात्तजी जमा रहा,
और दूसरे तरफ में जितने जगत का पुण्य सत्कर्म सबके सब हल्का होकर ऊपर उठ गया। ब्रह्मा जी ने देखा भैया इसका मतलब है ये भागवत कथा को सामने दुनिया की कोई भी धर्म कर्म को सब लिख दिया, शांति नहीं मिली। शांति कब मिली? जब भागवत ग्रंथ रचना की। बोले व्यास देव कौन? बोले स्वयं नारायण। व्यास नारायण स्वयं जगत को शिक्षा देते हैं तुम्हें ये भागवत कथा से जितने तुम्हें शांति मिलेगी, जितने शांति सुख ये कथा में मिलेगी दुनिया में और किसी चीज से इतने शांति सुख तुम्हें नहीं मिलेगी। आप देख लेना जब शांति में कथा हो जाए ना, आप तो एक रूप में आए हो, जब जाओगे ना दूसरे रूप में लेकर जाओगे। क्या चाहे हाथ हो जाए? बोले नहीं, लेकिन आपका चित्त तो पूरा बदल जाएगा, एकदम कृष्ण भक्ति में सराबर होकर यहाँ से जाओगे, दूसरे रूप में जाओगे है। इसलिए कथा भी इतने महत्व है। इसलिए यदि ये कथा सुनने का पहला लाभ लिया, कृष्ण राधा रानी कहते हैं श्याम सुंदर तुम्हारी कथा नहीं ये अमृत है। तो बोले अमृत कैसे अमृत है? एक नीति शास्त्र में बताया अमृत इसी जगत में चार जगह पर अमृत रहता है। बोले कहाँ कहाँ पर अमृत है? बोले अब्धौ बिधौ बधु मुखे फणिनाम निवासे। बोले पहला अमृत है, दरवाजा खोल हरे कृष्ण। बस वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये पर्दा को क्यों बंद कर रखे? उसको पूरा खोल दो, पूरा खुला ही रखा, पूरा खोल दो और भी खोल दो, हाँ पीछे भी खोल दो सबके सब। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आवाज आ रही है पीछे तक आ रही है? बाबा हरे कृष्ण। इसलिए एक नीति शास्त्र में बताया ये जो अमृत है ना, इसे मरते जगत में चार ही जगह पर अमृत है। बोले कहाँ पर? बोले अब समुद्र में, समुद्र में अमृत है, हैं? क्योंकि देवता दैत्य मिलकर के जब मंथन की, धन्वंतरि ने अमृत लेकर के उठी उसने, जिस अमृत को देवता लोग ने पान की। बोले अमृत कहाँ पर है? बोले ये समुद्र में अमृत है। लेकिन ये संत लोग कहते हैं बोले भैया असली अमृत वहां नहीं है। बोले क्यों? बोले समुद्र में अगर अमृत होता, आप लोग समुद्र पानी की कभी चाखे हो कैसे लगता है? खारा है ना। बोले पानी भैया इतने खारी क्यों होती? वो पानी तो मीठी मीठी होती। इसका मतलब हुआ अमृत नहीं। बोले दूसरा अमृत कहाँ पर? बोले श्री चंद्रमा में अमृत है। अब देखना दिन भर काम करते करते हम परेशानी हो जाती, सूर्य का किरण से रात को सो जाओ, सवेरे देखो फिर चुस्ती, शरीर में फिर बल आ जाती। कहाँ से? बोले ये चंद्रमा से एक अमृत निकलती है। बोले दूसरा चंद्रमा में अमृत, लेकिन साधु लोग कहते भैया उसमें भी अमृत नहीं। बोले क्यों नहीं? बोले खाए पूर्णिमा को तो पूर्ण चंद्र, अब देखना प्रथमा द्वितीय तृतीया करते करते खाए खाए होते होते अमावस्या को पूरा खत्म। बोले अगर उसमें अमृत होता तो वो चंद्रमा पूरा के पूरा ही रहता, तो ये खाए क्यों होता है? इसलिए चंद्रमा में अमृत नहीं। बोले तीसरा अमृत, बोले बधु मुखे। बधु मुखे मतलब बोले स्त्रियों की अधरा अमृत में बताया अमृत, जिस अमृत को पति लोग पान करते हैं, संत कहते नहीं वहां भी अमृत नहीं। बोले क्यों? बोले पति हतार। बोले पत्नी से पहले पति का ही राम नाम सत्य हो जाता है, अगर वो अमृत होता वो तो जिंदा ही रहता, मरता फिर क्यों? इसलिए अमृत अमृत कुछ नहीं। बोले चौथा अमृत, बोले अमृत रहता है फणिनाम निवास, जहाँ सर्प रहता है उनकी निवास में अमृत। बोले वहां भी अमृत नहीं। बोले क्यों नहीं अमृत वहां पर? बोले गरुड़ात त्रासा। अब देखना ये गरुड़ हरिभो कहते जो गरुड़ है, यदि ये गरुड़ का जो आहार है ये सर्प, अगर वहां अमृत होता तो फिर ये सर्प गरुड़ से डरता है क्यों?
उसको आहार खा लेता है कोई, बोले अमृत भमृत कुछ है नहीं, बोले पंचमा अमृत कहाँ पर है, बोले स्वर्ग में देवता लोग जिसको पान करते हैं, बोले वहां भी अमृत नहीं, बोले क्यों, बोले देवताओं का जब पुण्य समाप्त हो जाती है फिर इसे मर्त्य जगत में फिर उनको गिरना पड़ता है, इसलिए अमृत कहीं नहीं, जहां पर अमृत कहते हैं ना वो सब झूठा अमृत है। बोले भैया फिर अमृत कहां पर है, बोले केवल एक जगह में अमृत को मिलेगा, बोले कहां, बोले सुधा बहती कंठे भगवत जनाना, कहते भगवान की जो शुद्ध भक्त है इनकी कंठ में, मतलब क्या, बोले केवल कृष्ण कथा में ही अमृत, केवल ये भागवत कथा में ही अमृत, नहीं तो जगत का और कहीं अमृत नहीं। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की, जयकार ठीक से नहीं था, जोर से बोलो, बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की। इसलिए ये भागवत कथा को बताया ये अमर कथा, क्या बताया इसको, अमरनाथ कोई गए हो, कौन कौन अमरनाथ गए, हाथ उठा दो, अब गई हो अमरनाथ, बाबा एक मैया एकदम छक्का मार दी, इसलिए अच्छी बात है। इसलिए अमरनाथ में ये शंकर जी माता पार्वती को बैठा करके उन्होंने अमर कथा सुनाई, अभी भी वो स्थान है जहाँ पर शंकर जी स्वयं कहते हैं, बोले कैसे, बोले एक दिन शंकर जी कहीं कहीं गए थे सत्संग में, एक दिन नारद जी आए माता पार्वती के पास में, अब सब जानते हो नारद क्या करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं ना, झगड़ा लगा देते हैं, इतने में नारद जी आए, मैया पार्वती देखना पत्नियां सब चीज सब सहन कर सकती है, अगर पत्नी को पता चले मेरे पति और भी जिसको प्रेम और कोई शादी की हुई ये चीज कभी सहन नहीं कर सकती, बोले क्या बोल रहे हो, उन्होंने और भी कई शादी की, बोले और क्या हैं आपको, बोले नहीं हमें तो कुछ भी पता नहीं, बोले देखो आज ये काम कर लेना, जब शंकर जी आए ना जाओ मान भवन में लेट जाओ महिला कपड़ा पहन करके, और शंकर जी को तभी पूछना बताना पूछना जब तीन बार कसम खिला देना, बोले किस चीज की, बोले उनकी गले में एक मुंडक की माला, अब देखना ये मुंडक की माला कभी त्याग नहीं देते, कभी नहीं, आप पूछना ये मुंडक की माला किस विषय पर पूछना, इतना बस नारद लगा चल लड़ाई, श्री नारद जी मेरे गुरु जी बोल कर गए, गुरु जी बोल कर गए, बोले प्रमाण क्या है, बोले बताओ आपकी गले में मुंडक की माला किसकी, बताओ सही से बोलो झूठ मत कहकर, ये मुंडक की माला किसकी, बोले तेरी है, बोले मेरी कैसे, मेरे मुंडक तो मेरे शरीर में, आपकी गले में कैसे आ गई, बोले पार्वती अभी तुम्हें पूर्व जन्म की बात तुम्हें याद नहीं, पहले जन्म में तुम सत्य तुम्हारे पिता ने मेरे को दक्ष प्रजापति अपमान किया और मैंने कनखल में, अरे बोल कनखल में तुमने मेरी यज्ञ में जब गए पिताजी बुलाए सबका तुमने भाग देखा, मेरी केवल भाग हिस्सा नहीं देखा, और वहीं पर तुमने ये शरीर को त्याग दी, लेकिन जब तुमने शरीर को त्याग दी, बोले पार्वती एक जन्म नहीं कितने जन्म पे तुम शरीर त्याग दे रहे हो, और जब जब, बोले पार्वती जब से मैंने ये श्रीमद भागवत कथा रूपी अमर बोटी को मैंने पान की तब से अमर हूं, बोले प्रभु मेरे को भी सुना दो, पर आप भी अमर बनोगे मैं भी अमर बनूंगी, मैं मरती जा रही हूँ और मन में आप मर नहीं रहे हो, बोले ठीक है चलो हम तुम्हें अमरनाथ में ले चलते हैं, अकेला वहीं पर बैठा करके तुम्हें ये अमर कथा हम सुनाएंगे, बोले पार्वती हुंकार भरते रहना, मेरे को पता चलो तू कथा सुन रही हो, शंकर जी जयकार दिए, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, उन्होंने जयकार देकर कथा को उन्होंने प्रारंभ की, कथा करते 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 पूरी कथा सुना दी, जब लास्ट की कथा सुनाने जा रहे थे इतने में मैया पार्वती तो सो गई, और उस जिस वृक्षों को नीचे सुना रहे थे भगवत इच्छा से, कहते वहां पर कोई एक अंडा था, वो अंडा कथा के प्रभाव से फटी, फट करके एक तोता निकली, और वो तोता देखा भैया शंकर जी पार्वती को कथा सुना रहे हैं, अभी वो जो तोता था ना वो भी कथा सुनना शुरू कर दी, लेकिन इतने कथा सुनते सुनते माता पार्वती जब सो गई
तोता देखा भैया कथा मेरी भी अधूरी रह जाएगी क्योंकि हुंकार भरना बंद हो गया, शंकर जी कथा सुनाना बंद कर देंगे, मेरी भी कथा अधूरी रह जाएगी। कितने तोता भी हुंकार भरने लग गए, बोले बड़ी प्यारी कथा है, उसको बाद में किया हुआ, उसको बाद में किया हुआ। शंकर तो भोले बाबा है ना, शंकर जी भोले बाबा है, बात शंकर को सुना तो सुना दी जा रहे। लेकिन जब भागवत कथा पुनः समाप्त हो गई फिर शंकर जी जयकार देते हैं, बोले श्रीमद् भागवत कथा फिर जब जयकार दिए मैया पार्वती जग गई, बोले उसको बाद में क्या हुआ, बोले कथा तो विश्राम बल नहीं, मैं तो बीच में सो गई थी, बोले सो गई थी हुंकार भर गई थी, बोले नहीं प्रभु जी मैं बीच में सो गई थी, बोले हुंकार कौन भर रहा था। शंकर जी ने देखा कि कथा अमर कथा है, इसलिए आप गीता पढ़ेंगे, कृष्ण जब अर्जुन को गीता ज्ञान दी, आप देखना लास्ट में कहते हैं देखो मैंने जब गीता ज्ञान दी कहते ना अभक्त है प्रजा का, ये कथा किसी अभक्त को तुम कथा नहीं सुनाना है। आप देखो कपिल देव जब अपना माँ को ये ज्ञान दी, हम आगे सुनेंगे, बोले माँ ये ज्ञान जिसको तुझको नहीं देना क्योंकि मैं और मेरी कथा में कोई फर्क नहीं, मैं और मेरी कथा एक ही वस्तु है। इसलिए यहाँ पर शंकर जी ने देखा हो ना हो ये अमर कथा, जो सुनेगा वो मरेगा नहीं, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति सुन करके अमर हो गया तो ये दुनिया के लिए हानिकारक है। शंकर जी तो त्रिशूल उठाए और इधर उधर उन्होंने देखने लग गए, ये कथा सुनी तो सुनी किसने, देखा एक तोता पेड़ की आड़ में बैठ कर कथा ये तोता सुन रहा है, बोले तो ब्रह्म ज्ञान को छुप करके तुमने सुनी है, अभी तेरे को मजा चखाता, उठाया त्रिशूल शंकर जी और उसको पीछा किया और तोता उड़ते हुए जा रहा है, शंकर जी पीछा नहीं छोड़ रहे, करते करते वो तोता पहुंचा बद्री का आश्रम पर, वहां पर भी व्यास देव अपनी पत्नी को यही भागवत कथा सुना रहे थे, वहां पर भी उनकी पत्नी बिटगा ने अभी कथा सुनते हुए एकदम भाव से कथा सुन रहे थे, विभोर होकर के कैसे एकदम मुंह खोल करके विभोर होकर कथा सुन रही थी, और तोता वहां पर पहुंचा और उनने सूक्ष्म रूप का धारण करते हुए और उनकी गर्भ में प्रवेश कर गया। शंकर जी ने देखा भैया तोता तो आया तो आया, यहाँ पर तोता गायब कहाँ से हो गई, ये कहाँ गायब हो गई। इतने में श्री व्यास देवज ने पूछा शंकर जी आप कहाँ से भागते भागते आ रहे हो, पसीना से तरबर हुए हो, बोले बड़ा अनमनी हो गया, बोले क्या हो गया, बोले एक तोता ने अमर कथा सुनी, बोले अमर कथा का मतलब क्या, बोले जो मरेगा नहीं, बोले फिर आप मारने के लिए पीछा कैसे कर रहे हो, बोले भैया सचमुच से बात सही है। व्यास देव बोले सचमुच से आप भोले ही हो शंकर जी भोले ही हो। शंकर जी ध्यान लगाया क्योंकि ये अगर इसलिए शंकर जी ने देखा अगर ये तोता कोई साधारण तोता होता है ना ये कभी भी कथा में बैठ नहीं सकता, कभी भी कथा में नहीं बैठ सकता, क्यों ये कथा को कौन सुन सकते हैं, बोले जन्मांतरे भवेत पुण्य, ये करोड़ करोड़ जन्म का जब कोई पुण्य उदय होता है सुखदेव गोस्वामी के तभी ये कथा में कोई बैठ सकता, पापी भी एक मिनट भी यहाँ नहीं बैठ सकता। अब देखना सीरियल खोल करके उल्टा पुल्टा फिल्म गंदी चीज है और झूठ फिल्म पता सीरियल क्या है, तो कोई सच चीज थोड़ी है, एक रूपक दे दिया है कि झूठे चीज को रूपक, देखना तीन घंटा बैठ बैठ कर आप फाड़ फाड़ कर देखेंगे जिसमें गंदी चीज। लेकिन भगवत कथा शंकर जी कहते हैं जिस कथा को सुन करके मैं स्वयं अमरत्व की प्राप्ति की, लेकिन ये कथा में भगवत कथा में रुचि नहीं होती, क्यों ये पाप ही है, क्योंकि पाप आपको कथा सुनने नहीं देगा, ये पुण्यात्मा ही कथा को सुन सकते हैं। इसलिए शंकर जी ने ध्यान लगाया है कौन ये तोता, कथा सुनी कैसे, तो उन्होंने ध्यान लगाया तो शंकर उन्होंने ठाकुर जी के सारे लीला लगा, बोले ये तोता कौन है, हमारे श्री कवि कर्णपुर कहते हैं
बोले प्रिया सुख श्री वृंद भानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांत कनन रहस्य पाटी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। बोले तोता कौन है? बोले ये श्रीमती राधा रानी की प्रिय तोता है जो कि राधा रानी के निकुंज में जो निवास करता था। कभी कभी राधा रानी उसका अनार की दाना खिलाया करती थी, उसको बोलती बोल तो राधे राधे, वो तोता भी बोलता था राधे राधे। कृष्ण भी जिसको हाथ में बैठा करके बड़े प्यार देते थे उसको राधा जी का नाम पढ़ाया करते थे हैं। कभी कभी राधा रानी ये तोते को कृष्ण रूप मान करके कभी उनको चुंबन भी करती थी। इसलिए हम आगे सुनेंगे माता जी हरे कृष्ण जिसका बच्चे हैं हरि बोल हरे कृष्ण, एक बच्चे को अपने गोद में रख लो ठीक है, फिर क्योंकि छोटा बच्चा है ना सब इनका इनके इनको सब देखने लग जाते फिर कथा नहीं सुनते हैं कभी, इसलिए इसका अपने गोद में रख लो इधर उधर छोड़ो मत हरे कृष्ण। इसलिए हम आगे सुनेंगे वहां पर 88,000 ऋषि लोग थे, 88,000 जिनको उम्र 100, 200, 300, 400 साल की व्यास पराशर वशिष्ठ, लेकिन 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे। लेकिन कथा किससे सुने? सुखदेव गोस्वामी जो 12 साल के सबसे छोटे उम्र के थे, लेकिन कथा सुने तो इनके मुख से कथा सुने। बोले क्यों? कारण है राधा रानी इन्होंने को चुंबन की है और उनकी थोंट में राधा रानी की ये अधरा मृत लगा हुआ था। अब राधा शब्द को उल्टा दो बताओ क्या होगा? बोलो हाँ, इसलिए राधा रानी नहीं कहती है कृष्ण प्रेम रस की जो धारा है ना ये श्री राधा रानी। इसलिए वृंदावन में जाओ देखना कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं जोर से बोलो और जोर से, वहाँ के सबसे राधा रानी की श्री किशोर जी का सबके सब वहीं पर राधा जी की सबके सब नाम लेते हैं। इसलिए जैसे भगवान राम जब ये अयोध्या छोड़ करके गए पूरा अयोध्या को लेकर गए, लेकिन उन्होंने केवल एक व्यक्ति को छोड़ कर गए, पता है किसको छोड़ कर गए? बोलो किसको छोड़ कर गए अयोध्या में, किसको छोड़ कर गए? बोलो कोई बोल नहीं रहे, कहते श्री हनुमान को छोड़ करके। बोले क्यों? बोले हनुमान जी अगर तू चले जाओगे ना फिर तो मेरी कथा को कौन बोलेगा, मेरी भक्ति जगत में कैसे प्रचार होएगा। इसलिए भगवान राम केवल उन्होंने श्री हनुमान जी को छोड़ कर गए, बाद में राम भक्ति को तुम प्रचार करते रहना। उसी तरह जब भगवान कृष्ण गोलक वृंदावन से इसी मर्त्य जगत में आए तो उन्होंने ये तोते को भी साथ में लेकर आए थे। ये तोता इसी जगत का नहीं गोलक वृंदावन की, जब राधा कृष्ण जा रहे थे ये तोता भी तैयार हुआ जाने के लिए, ये तोता भी तैयार हुआ। इसलिए हमारे गोस्वामी ने बताए राधा रानी के तीन तोते थे, कितने तोते थे कौन कौन होता? कहते एक मंजूवासी, मंजूवासी मतलब जो बड़ी मीठी मीठी बात करता था ऐसे थे, वही तोता देकर लेता था। और राधा रानी कृष्ण को पास में जो मैसेज भेजते थे यही तोता लेकर के देता था। राधा कृष्ण कहाँ मिलन होएगी, आज कृष्ण किधर गया चराने जा रहे हैं, अभी राधा रानी जब सूर्य पूजा के लिए कहाँ पर आई है, राधा कुंड में कहाँ मिलन होएगी, आज श्री किशोर जी कुंज कहाँ बनाए, आज कृष्ण कुंज कहाँ बनाए, राधा कृष्ण कहाँ मिलेंगे, ये जितने सारे जो बात है ना कौन करता था? तोता। इसलिए अब लोग भागवत पढ़ना हर जगह में देखना श्री सुक उवाच, श्री सुक उवाच, श्री मतलब श्री प्रिया, श्री राधा रानी, ये राधा रानी की ये तोता है। इसलिए जब राधा कृष्ण तैयारी हुए जाने के लिए ये तोता भी तैयारी हुआ और मैं भी चलूंगा। कृष्ण बोले देख तोता अगर तुम चले जाओगे ना सारे लीला को तुमने दर्शन की है फिर मेरे भक्ति को कौन प्रचार प्रसार करेगा, इसलिए तुम कृष्ण भक्ति प्रचार के लिए रह जा। जब जुगल सरकार चले गए अभी वो कृष्ण विरह में बड़े दुखी हो गए, बोले अभी क्या करूं, पहले तो कृष्ण लीला दर्शन कर लेता था, अभी तो प्रभु चले गए अभी मैं क्या करूं, वो विरह में
छटपट छटपट कर रहा था, करते करते उन्हें जब गया अमरनाथ में, वहीं पर देखा श्री शंकर जी माता पार्वती को ये अमर कथा सुना रहे। वाह खुश हो गए, वाह ठाकुर तो चले गए, कम से कम उनको कथा तो सुनने को मिले। इसलिए बोला हरि कुथाए, मतलब भगवान कहाँ है, बोले भगवान हरि कथाए, भगवान और कहीं नहीं, जहां पर उनकी कथा होती है ठाकुर जी वहीं पर रहते हैं। इसलिए शंकर जी अपना दिव्य नेत्र से उन्होंने सब कुछ दर्शन किया और देखा यही तोता श्री व्यास देव की पत्नी के गर्भ में प्रवेश करके वही पर श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में आए। फिर उन्होंने परीक्षित को कथा सुनाई और फिर सुत गोस्वामी श्री सौनकादि ऋषियों को कथा सुनाई। फिर गुरु परंपरा से हम भी अभी कथा सुन रहे। देखो शंकर जी ये बात किसको कह रहे हैं, बोले पार्वती हैं। इसलिए कहते जिस कथा को सुन करके स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम, वो स्वयं कहते मैंने भी कथा सुनकर अमरत्व बनी, और ये पार्वती भी कथा सुन करके ये भी अमरत्व बनी, इतने ये कथा की महिमा। इसलिए राधा रानी कहती हैं कथा सुनने का पहला गुण क्या है, बता पहला गुण क्या है बोलो, आप सब भूल गए हो। इसलिए राधा रानी कहती प्रभु तुम्हारी कथा नहीं, ये कथा अमृतम, कथा अमृतम, जो सुनेगा अमर बनेगा, ये कथा सुनने का पहला लक्षण है, पहला फल है। आपको याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगा ना, कभी इतने याद रखना जो कथा सुनेगा वो जगत में अमर बनेगा, इसका पहला गुण है। बोले कथा सुनने का दूसरा गुण क्या है, अभी हम सुनेंगे प्रभु जी आपके एक छोटी सी भजन सुनाएंगे, ठीक है, ये भजन के बाद में हम कथा की महिमा सुनेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। इन वृंदावन के वृक्ष को मर मन जाने को राधे राधे हो, राधे राधे कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। तो आइए वृंदावन कौन कौन जाएंगे, वृंदावन बहुत कम लोग हाथ उठाए, पर पता नहीं वृंदावन में क्या है। अच्छा वृंदावन कैसे जाते हैं, गोवर्धन कौन कौन गए हैं, बहुत कम लोग गए हैं। अच्छा गोवर्धन जो लोग गए हैं देखे होंगे, नाचते कूदते भाई कीर्तन करके भरे जाते हैं, जाते हैं कि नहीं। तो आइए यहाँ पे भी सभी लोग नाचते कूदते भाई जाएंगे वृंदावन, और 7 दिन में तभी वृंदावन मानेगा ये। तो आइए सभी लोग वृंदावन Thank you.
वृंदावन में कहते हैं कि कथा में जो ताली बजाएंगे उसके जो हाथ की रेखाएं हैं वो बदल जाएंगे, जो भी गड़बड़ गड़बड़ रेखा है वो कीर्तन में ताली बजाने से बदल जाता है और क्या भक्ति रूपी रेखा का उदय होता है। एक संत दूसरे संत से बोले, बोले जहां देखो वही कहता है कि ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। आखिर ताली बजाने से होता क्या है? कीर्तन में, जागरण में, कथा में, जहां पे भी जाओ कहते हैं ताली बजाओ। आखिर ताली बजाने से होता क्या है? तो दूसरे संत बोले कि कीर्तन में ताली बजाने से पाप निकल जाता है। तो बोले पाप निकाल कर जाए तो जाए कहां, उसको तो रहने के लिए जगह चाहिए। तो बोले वो कहीं नहीं जाता, जो कीर्तन में ताली बजाते हैं उनका पाप निकल करके उनके सर पे बैठ जाता है जो ताली नहीं बजाते। तो आप लोग क्या करेंगे, पाप बैठना चाहेंगे? कोई नहीं चाहेंगे ना, तो इसलिए ताली बजा कर गाएंगे। जो लोग गए उनको पता है, लेकिन यहाँ क्या कोई कीर्तन की शोभा नहीं बढ़ाएंगे क्या? सभी एक बार खड़े हो जाए और प्यार को सीधा कर ले। Thank you.
Thank you.
देखो कथा सुनने का जो पहला लाभ है, जो ये कथा सुनेगा, अगर शंकर पार्वती अगर अमरत्व तो प्राप्त कर सकते हैं, फिर हम क्यों नहीं बनेगा अमर? हम भी जगत में एक दिन अमर बन जाएंगे। इसलिए जिन जिनियों ने कथा सुने ना, सब अमर हो गए। ब्रह्मा भी अमर हो गए, शंकर भी अमर हो गए, श्री हनुमान जी अमर हो गए, मीरा भी अमर हो गई, ध्रुव प्रहलाद सर्व अमर हो गए ना, जगत में इनका नाम जगत में अमर हो गया। कथा सुनने का पहला लाभ, कथा सुनने का दूसरा लाभ जीवनम। संसार में जो दुख कष्ट है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, हम सबके सब थोड़े थोड़े जगत में दुखी है। लेकिन राधा रानी कहती जो कथा सुनेगा उसका जगत का सारे दुख खत्म हो जाएगा। राधा रानी खुद कहती तप्त जीवनम, जो उत्तप्त जीवन तुम्हारी सारी है ना, इसको कोई खंडन नहीं कर सकता, उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन राधा रानी कहती है अगर तुम कथा सुनोगे ना, तुम्हारी पूर्व जन्म का जितने पाप है वो सारे पाप तुम्हारी समाप्त तो हो जाएगी अगर कथा सुनोगे। आप लोग ने वाल्मीकि का नाम जानते हो? कौन कौन वाल्मीकि का नाम जानते? सब जानते हो। वो पहले इतने पाप, इतने दुष्कर्म किया था, जब श्री नारद जी से मिले, बोले भैया एक बार राम का नाम लो, उसको मुंह से राम का नाम नहीं निकला। क्यों? पूर्व जन्म का पाप का कर्म था। बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले मरा मरा तो बोल सकता, बोला मरा मरा तो बोल सकता हूँ। इसलिए कहते उल्टा नाम जपते जगह जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, और राम आने से पहले रामायण को लिख दिया कि बोला मरा 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 करते करते, अगर हम सीधा अगर राम राम करे तो, अगर भगवान की कथा सुने तो, कभी जीवन का जितने प्रारब्ध कर्म तुम्हारी, जितने पूर्व जन्म का पाप है वो तो सारे पाप तुम्हारी खत्म हो जाएगी। बोले चौथा लाभ किया है, बोले कथा जो श्रवण करेगा जीवन में मंगल ही मंगल होगा। कहते हैं ना मंगल भवन अमंगल हरि। देखो हमारे गुरु जी एक छोटी सी कथा सुनाते थे, आपको पता नहीं ये कथा पता कुछ होता है, लेकिन आप अज्ञान में कैसे एक बार बैठी है, देखो कितना महत्व है। एक समय कोई एक फेरी वाला था, वो फेरी का काम करते करते बड़ी दूर तक चला गया। देखा आज रात को यहीं रुक जाता हूँ, कल सवेरे अपना काम धंधा करूँगा। गांव में पूछा भैया कहीं रुक सकता हूँ? जैसे पहले हर गांव में एक मंदिर हुआ करता था, कोई अतिथि आते तो उसी में रुकते थे। बोले भैया ये मंदिर में रुक जाओ, कोई बात नहीं, रात को विश्राम करो। लेकिन वो गांव में नियम था, अब देखना पहले पहले हर गांव में सबके सब एकत्रित होते थे, शाम को मजरा ढोलकी लेकर के हरि कीर्तन करते थे, थोड़ी सी हरि चर्चा वहाँ हुआ करती थी। अभी वो दिन भर काम करते करते थक गया, जब सोने जा रहा था, गांव के सारे लोग आ गए ढोलकी मजरा लेकर के, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय कीर्तन करना शुरू कर दिया। वो तो जा रहा था सोने के लिए दिन भर परिश्रम से, बोले भैया ये आपद कहाँ से आ गया, ये सब हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय शुरू कर दिए। फिर देखा एक संत ने बड़ी प्यारी प्यारी ठाकुर जी की कथा सुनाना शुरू कर, बोले फिर आपद कहाँ से आ गया, फिर भैया नींद लग रहा है, ये तो कथा करना शुरू कर दिए। इतने में उसने दीवाल में सहारा दे करके, बोले ये तो बेकार अपना टाइम पास कर रहे, इसका तो कोई फल है ही नहीं, अपना टाइम पास करना, आधा सोते और आधा जगते उसने कीर्तन भी किया और कथा सुना। एक घंटा कथा कीर्तन हुई, जब सबके सब चले गए, बोले भैया अभी बच गया, अभी उसने सो गया। मरने का बाद जमदूत लेकर के जमपुरी में गए, जब महाराज चित्रगुप्त को बोले, चित्रगुप्त जानते हो ये कौन है? ये सब जितने लेखा जोखा करते ना चित्रगुप्त, इसका नाम चित्रगुप्त क्यों? चित्र मतलब होता है फटो,
गुप्त मतलब होता है छुपा करके सारे जीवन का फटो जिसको पास हो, इसलिए मरने के बाद वो सारे कापी खुलता है कितने पाप और हमने कितने पुण्य की है। बोले भैया इसका कापी खोलो। बोले भैया इसने तो केवल जीवन में झूठ मूठ बोल करके अपना बिजनेस चलाया, परिवार को पाला, कोई पुण्य पुण्य कुछ नहीं। बोले भैया थोड़ी बहुत तो होगा, देखो ठीक से। उन्होंने कापी खोलते खोलते बोले हाँ थोड़ी सी पुण्य भी है। बोले क्या है? बोले ये फेरी का काम करते करते किसी गांव में पहुंचा था, वहां पर एक भगवान के मंदिर में वहां पर कीर्तन कथा हो रही थी। उसने एक घंटा केवल उसने कथा कीर्तन में एक घंटा उसने बैठा, लेकिन वो जो कथा सुनी है ना वो ध्यान से नहीं सुने, वो बेमन से सुना। बोले टाइम पास हो रहे, थोड़ी इसमें कोई फल है, केवल अनमन में केवल एक घंटा कथा सुने थे। जब महाराज बोले देख बेटा अगर तू भक्ति भाव से कथा सुनता तो तेरे को विशेष फल मिलती, लेकिन तुमने जो कथा सुनी है ना इसमें तो कोई फल है ही नहीं किसी तरह से टाइम पास करना, तुमने इसी भाव से तुमने कथा सुनी इसलिए तेरे को एक घंटा स्वर्ग मिलेगा। बता पहले नरक जाओगे ना स्वर्ग जाओगे? बोले भैया जब नरक जाना ही है, हमने सुना स्वर्ग बहुत बढ़िया जगह है, मेरे को एक बार केवल स्वर्ग एक घंटा घुमा करके ले आओ। जब तू तो उनको बोले इसको एक घंटा स्वर्ग भुगा कर वापस ले आना, उसको ले गए जो चौकीदार था, बोले भैया हमारा आसामी एक घंटा स्वर्ग भुगा करके वापस दे देना। लेकिन उसने जब स्वर्ग में पहुंचा वहां पर तो जैसे लाइट जल रही, वो लाइट नहीं, वहां पर एक मणि जल रही, हमारे जैसे ईंट पत्थर से घर नहीं, वहां पर तो हीरे जवाहरात से घर है, वहां पर कल्प वृक्ष सुधर्मा सभा और वहां पर जो पारिजात पुष्प नंदन कानन, वहां की जो स्त्रियां हैं वर्णना किया है कितने सुंदरी वर्णना किया, पृथ्वी में जितने स्त्रियां हैं इनकी सुंदरता को एक कर लो, पृथ्वी में जितने स्त्रियां हैं, कहते स्वर्ग में जो रंभा रुबस्य मेनका है ना, कहते एक स्त्री को साथ में इनकी सुंदरता बराबर है, मतलब इतने सुंदर सुंदर स्त्रियां, वो तो देख देख रहा हैरान कि क्या देख रहा है। लेकिन एक घंटा बाद में फिर पकड़ करके ले जाएंगे उसको। सोचा भैया थोड़ा स्वर्ग में घूम घाम कर देख रहा था क्या होता है यहाँ पर। उसने देखा एक कोने में कोई भी नहीं जा रही, एक कोने में कोई नहीं जा रही। बोले भैया इधर कोई जा क्यों नहीं रहे? वो उस तरफ में गया, इधर किया, देखा वहां पर कहते श्री वामन देव का छोटे भैया उपेंद्र, उपेंद्र मतलब श्री वामन देव इंद्र के छोटे भाई, उधर भगवान वामन देव और चतुसन वहां पर है, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार वहां पर बैठे हुए और वहां पर सत्संग हो रहे हैं, और जो सात्विक संपन्न जो रज गुण वाले तो भोग कर रहे हैं, लेकिन जो सात्विक गुण संपन्न है जैसे आप लोग यहाँ पर आए, क्यों? आपके अंदर में सात्विक गुण है, वो सात्विक गुण होना तभी भगवान की भक्ति कीर्तन पूजा पाठ तभी अच्छी लगती है। वहां पर देखा बैठी करके वहां पर तो कीर्तन हो रही है, हरि कथा हो रही है, सबके सब हरि बोल हरि बोल हरि बोल कर रहे थे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जब उसने वहां पर पहुंचे अभी उसको याद आया, अरे ये चित्रगुप्त क्या बोल रहा था, मैंने एक घंटा कहीं सत्संग में बैठा था इसलिए मेरे को एक घंटा स्वर्ग मिला, भैया यहाँ पर भी सत्संग हो रही है, अगर एक घंटा यहाँ बैठ जाओ ना कितना घंटा स्वर्ग हो जाएगा, मेरे को दो घंटा स्वर्ग मिल जाएगी। उसने क्या किया, चुपचाप जाकर सत्संग में बैठ गया। बोले भैया देखता हूँ ये सत्संग का कोई फल है कि नहीं, वो भी बैठ करके हरि बोल करने लग गए, वो भी बैठ करके प्रभु का भजन में मस्त हो गया। लेकिन उसको पता एक घंटा बाद में मेरी चोटी पकड़ करके नरक ले जाएगी, एक घंटा बाद में। लेकिन उसने देखा एक घंटा तो बीत गया लेकिन उसको कोई लेने नहीं आ रहा, वो समझ गया भैया सत्संग का कोई प्रभाव है, वो उठेगा क्या, जम करके बैठ गया। बोले यहां से उठना नहीं, क्यों उठेगा तो नरक ले जाएंगे। अभी जो इनको लेकर गए थे बोले भैया एक घंटा हो गया, देखो हमारे आसामी कहां, ढूंढो उसको। उन्होंने ढूंढते ढूंढते कहीं मिले ही नहीं, बोले भाई गया कहां ये। घूमते घूमते देखा जहां सत्संग हो रही थी, जहां ठाकुर जी की कथा हो रही थी वहीं पर बैठे हुए और प्रभु का कीर्तन में मस्त हैं। देखो
जो व्यक्ति कथा सुन रहे हो अब तो बताए कहां पर बैठे हो, साक्षात बांके बिहार की गोद में बैठे हो, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं ना अहम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय न च। स्वयं भगवान कह रहे हैं, नारद जब पूछे प्रभु आप कहां रहते हो, भगवान स्वयं कहते हैं बोले नारद जी दुनिया कहते मैं वैकुंठ में, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, दुनिया कहते जोगियों का हृदय में वहां भी नहीं। बोले प्रभु कहां रहते हो, बोले मत भक्ता जत्र गायन, जहां पर मेरी सत्संग भागवत कथा हो, जहां पर मेरी कीर्तन हो, मैं वहीं पर रहता हूँ, ठाकुर कहीं नहीं रहते हैं, केवल सत्संग भगवत कथा में ही ठाकुर जी रहते हैं। इसलिए आप कथा नहीं सुन रहे हो, साक्षात ठाकुर जी की गोद में बैठे हुए हो। अगर इसी समय किसी मृत्यु आ जाए, आप समझना जब तक ये कथा में आप बैठे हुए हो, जब दूत गेट में खड़े रहेंगे आपको लेने का हिम्मत नहीं, क्यों, ठाकुर जी की गोद में आप बैठे हुए हो, वहां पर कोई भी आपको यहाँ से नहीं ले सकते हैं। यहाँ से जब उठोगे अगर मृत्यु रहेगी, वो मृत्यु को भी इंतजार करना पड़ेगा, इतने ये कथा की प्रभाव। इसलिए उस स्वर्ग के दूत ढूंढे को गया था, देखा तो कथा में बैठे हुआ सत्संग में हरी बोल कर रहे, वहां से वो वापस आ गया। बोले देखो उसने एक घंटा स्वर्ग में क्यों आया था, एक घंटा कहीं कथा सुनी थी तभी आया था ना। बोले हाँ, बोले वो तो स्वर्ग भोगा ही नहीं, वो तो सीधा सत्संग में बैठा कथा सुन रहे हैं, उसको दो घंटा स्वर्ग हो गया, दो घंटा स्वर्ग हो गया। भैया आपको दो घंटा इंतजार करना पड़ेगा। उसने देखा जब कोई लेने नहीं आ रहे ना, खूब खड़ा किया होगा वहीं पर, तो जम गिर बैठ गया, कभी यहाँ से तो उठना नहीं। बस एक घंटा हो गया, दो घंटा हो गया, तीन घंटा हो गया, चार घंटा हो गया, पांच घंटा हो गया, जमदूत इंतजार करते 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 लास्ट में वापस आना पड़ा उनको। भैया कथा सुनने का फल किया, देखो भागवत कहता है बोले श्रीनताम श्री कृष्णम कथा पुण्य श्रवण कीर्तन। जैसे हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, ठाकुर जी कानों के माध्यम से हमारे अंदर में जा रहे हैं। अंदर में जाकर क्या कहते हैं, अगर कोई कथा सुनेगा तो ठाकुर कान के माध्यम में हृदय में जाएंगे। बोले सुहृदि सताम, उदाहरण दिया जैसे आपका कोई प्यारा कोई दोस्त तुम्हारे घर में आया, देखा है कि कुर्सी पड़ा हुआ लेकिन कुर्सी में धूल जमा हुआ, वो दोस्त ये नहीं बोलेगा दोस्त तू पहले साफ कर बैठूंगा, क्योंकि तुमको प्यारा दोस्त है, वो क्या करेगा अपना रुमाल निकाल करके चेयर को साफ करके वो चेयर के ऊपर बैठ जाएगी। कहते हमारा सबसे प्यारा दोस्त कौन है, कहते ना तुम्हें ही वह माता च बोलो पिता तुम्हें सर्वम। हमारा सबसे जो बड़ा मित्र ठाकुर जी, वही पिता वही माता वही भाई, असली पिता माता हमारे ठाकुर जी। जब हम कथा सुनेंगे ठाकुर जी हमारी कानों के माध्यम से हृदय में जाएंगे। अगर हमारे हृदय में कोई काम क्रोध लोभ होगा ना, ठाकुर जी क्या करेंगे अपना रुमाल निकाल करके साफ करके हृदय में बैठ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर गोपियां कहती हैं हे श्याम सुंदर तुम्हारी जो कथा श्रवण करेंगे, बोले श्रवण मंगलम, जो श्रवण करेगा उसको मंगल मंगल ही होगा। देखो उन्होंने केवल एक घंटा कहीं भूल से कथा सुन लिए, क्या हुआ पूरा नरक खत्म। फिर स्वर्ग गए और कथा सुनते सुनते सीधा भगवत चरण प्राप्त हो गया। अगर आप लोग सात दिन कथा सुनोगे तो आपको पता नहीं क्या मिल सकता है। जब ऊपर जाओगे ना सब कापी में लिखा हुआ मिलेगा, भैया शिव मंदिर में बैठ करके उन्होंने सात दिन तक कथा सुने होंगे, लेकिन दुनिया की जो दुनियादारी कर रहे हो ना वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। भले ही सारा दुनिया के हम काम कर लिए हैं, वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल इतनी मिलेगा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए देखना मृत्यु का समय में क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है सत्य बोल गते है सब कोई बात झूठा है, यही बोलते हैं ना। जितने सत्संग जितने कथा सुनते हो उतना ही हमें मिलेगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले इसका चौथा लाभ है श्रवण कर्ण मंगल होगा।
बोले इसका पंचवा लाभ किया, बोले श्री, श्री मतलब होता है धन दौलत पैसा, बोले पैसा कहाँ रहता है, ठाकुर के चरण में। कभी जो कथा सुनेंगे ना घर में माँ लक्ष्मी भी बड़ी कृपा होती है, हैं, क्योंकि भगवान की कथा सुनने से ठाकुर जी की भी कृपा होती है, माँ लक्ष्मी भी बड़ी कृपा करके घर में धन संपत्ति की बढ़ोत होती है, घर धन संपत्ति बढ़ती है। और श्री मतलब शोभा, श्री मतलब सौंदर्य, श्री मतलब जस। कभी जो कथा सुनते हैं जगत में उनका बड़ा जस भी होता है, जगत में बड़ी उनकी प्रशंसा भी होती है। बोले दा, बोले दा मतलब होता है बंधन। कभी जो भगवत कथा श्रवण करेंगे उनकी संसार की जो बंधन है वो सारे बंधन भी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। इसलिए श्री राधा रानी कहती है, श्याम सुंदर, जगत में तो बहुत बड़ा बड़ा दान है, लेकिन जगत में सबसे बड़ा दान क्या है, कभी ये श्रीमद् भागवत कथा को जो दान करते हैं, इससे बड़ा दान जगत में कुछ नहीं। ये कथा दान ही जगत में सबसे बड़ा दान है। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय, जय श्री राधे। इसलिए अब लोग याद रहेगा मैंने सात कथा सुनने पर सात लाभ बता दिया, याद रहेगा ना, किसको किसको याद रहेगा, कम से कम एक एक याद रख लो, ठीक है ना, कथा सुनने का एक एक याद रख लो, कथा सुनने से कितने लाभ, लाभ ही लाभ है, इसमें कोई नुकसान नहीं। इसलिए अभी श्री सुखदेव गोस्वामी जब इसकी महिमा को गान करते हैं, जो पहला श्लोक है, बोले सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सर्वप्रथम उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं करते, किसको प्रणाम करते, श्री कृष्ण, श्री मतलब कौन, श्रीमती राधा रानी। यहाँ शिक्षा देते हैं अकेले कृष्ण की पूजा नहीं करनी चाहिए, जुगल की सेवा करनी चाहिए, है। इसलिए हमारे संप्रदाय के संत कहते हैं अकेला माधव पूजय सो अज्ञान, अकेले कृष्ण को पूजा नहीं वो अज्ञानी है, राधा अनादर परे अभिमानी है। इसलिए राधा रानी की कृपा नहीं होगा ना, कृष्ण की कृपा नहीं होता है। इसलिए वृंदावन में जाओ, वृंदावन तो बांके बिहारी की धाम है, देखना वहां पर कोई भी बांके बिहारी नहीं बोलते, वहां पर क्या बोलते हैं, जोर से बोलो और जोर से, बोले राधे राधे क्यों बोलते हैं वहां पर, कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोलते, कृष्ण सुकूत करके कहते हैं, क्यों वृंदावन में राधे राधे बोलते हैं, बोले रासत कुर्बन तस्मात ददामी भक्ति उत्तम। बांके बिहारी कहते हैं अगर केवल राग कर कोई बोल दिया मैं तो चिंता में पड़ जाता हूँ, उसको मैं क्या दू, रा अक्षर के इतने महत्व है, और रा अक्षर सुनते ही मैं खुद को खुद दे देता, भैया आज से मैं तेरा ही हो गया। अगर कोई धा बोल दिया रा धा, अगर कोई दो अक्षर बोल दिया ना, ये दो अक्षर सुनकर उसको पीछे 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 में घूमता रहता हूँ, वो जिधर चलता है उसको पीछे पीछे चलता हूँ। इसलिए एक भजन गाते है ना, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले राधा रानी भोली भाली तन चलन हारी, राधा रानी भोली
में राधा कृष्ण जुगल के चरण में प्रणाम करते हैं। इसलिए हमारे संप्रदाय में एक संत ने एक बड़ा सुंदर ने श्लोक बताया, किसने एक सुंदर पद्य लिखा था, पद्य में लिखा हुआ था, मैं तो कृष्ण रंग में रंगी, श्याम रंग में रंगी, सुंदर पद था। बड़े बड़े संतों के पास में गया, सब सुन करके बड़ी वाहवा वाहवा कर रहे थे, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त के पास में गया श्री जीव गोस्वामी, तो उन्होंने एक श्लोक लिख करके भेज दिया। बोले भैया कृष्ण भक्ति पाना इतना आसानी नहीं, कृष्ण जैसे तीन जगह से टेढ़े है ना, उनकी भक्ति भी बड़ी टेढ़ी की रही है, कृष्ण भक्ति भी बड़ी टेढ़ी की रही है। अगर जीवन में कृष्ण भक्ति पाना चाहते हो ना, तीन चीज को अपनाओ, अपने आप कृष्ण भक्ति मिल जाएगी। देखो संत क्या लिखते हैं, बोले अनारत राधा पदा भोजरे, बोले तीन चीज का अपनाओ। पहला किया राधा रानी की चरण की धूल का आश्रय करो, बोले दूसरी चीज किया बोले राधा रानी की चरण के द्वारा अंकित श्री वृंदावन धाम का आश्रय करो, बोले तीसरी चीज क्या राधा रानी की भक्ति रस में जो डूबे हुए संत हैं उनके संतों की चरण का आश्रय ग्रहण करो, तभी तुम्हें राधा कृष्ण की प्रेम तभी मिलेगा, नहीं तो भैया कृष्ण कृष्ण करने से कृष्ण नहीं मिलेगी, वो बड़ी टेढ़ी की रही है, वो बड़े टेढ़े टांग वाले, इसलिए कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हैं, लेकिन हमारे जो किशोरी जीव है ना बड़ी सिद्धि साधी, राधा रानी सिद्धि साधी है, और श्याम सुंदर बड़े टेढ़े हैं, लेकिन राधा जी की कृपा हो ना तभी श्री श्याम सुंदर को अपने आप प्राप्त करोगे। इसलिए वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं जोर से और जोर से। ये प्रथम श्लोक में श्री जुगल सरकार को प्रणाम किया, कहते भैया इनके चरण में जाओगे तो मिलेगा क्या, बोले आपको छह चीज प्राप्त होगा, क्या कितना चीज मिलेगी, हाँ कल हमें बताना, आज मैं बताता हूँ, ठीक है, छह चीज क्या मिलेगा, बोले सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का जो स्वरूप है सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप है, इसलिए और हम भगवान के सब बच्चे हैं, ठाकुर जी के बच्चे हम, संतान ठाकुर जी की होने का नाते देखना ये तीन गुण हमारे अंदर में, और जीवन में हम यही तीन चीज को ढूंढते हैं, जैसे भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान सत्य स्वरूप है, इसलिए देखना जगत में कोई बूढ़ा बनना नहीं चाहता है, बताओ जगत में कौन बूढ़ा बूढ़ी बनना चाहते हो, अगर एक बाल देखा शीशा में पक गया ना उखाड़ देते, दो बाल पक गया उखाड़ देते, तीसरा बाल उखाड़ देते, अगर खिचड़ी हो गई फिर मेहंदी लगा कर कलर कर देते। हम ब्यूटी पार्लर में क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं, जीव में क्यों जाते हैं, चमन प्रास क्यों खाते हैं, इतने बढ़िया शरीर को श्रृंगार कैसे करते हैं, आप देखना भले ही हमें 70-80 साल हो गए, लेकिन आप शीशा के सामने अपना सूरत को देखो, कोई भी सोचते हैं हम 70-80 साल को गए, कोई भी सोचते हैं, सब सोचते हैं अभी तो हम 100 साल जीता रहे, अभी हमारा कुछ नहीं हुआ है, हैं कुछ नहीं हुआ, बोले क्यों, कारण क्या, हम बूढ़ा बनने क्यों नहीं चाहते हैं, कारण क्या, बोले कारण है हमारा जो प्रभु है ना कन्हैया, हमारा जो कृष्ण को देखो हर समय इनका उम्र नव किशोर नटवर, हर समय 14.5 साल से कृष्ण का उम्र कभी ज्यादा नहीं होता है, भगवान राम 11,000 साल तक थे, लेकिन भगवान के राम का रूप में कभी बुढ़ापा देखे हो, कभी दाढ़ी देखे हो, कभी उनको मोच देखे नहीं, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए हर समय को किशोर अवस्था, हम के बच्चे हैं, बच्चे होने का नाते पिताजी का गुण तो बच्चे में रहेगा ना, वो तो हमारे पिता है, इसलिए हम कोई भी बुढ़ा बनना नहीं चाहते, भगवान ज्ञान स्वरूप है, देखना हम सबके सब PhD इंजीनियर डॉक्टर CA बढ़िया बढ़िया एजुकेशन पाना चाहते है ना, क्यों, कारण क्या, क्योंकि हमारा जो प्रभु पूर्ण ज्ञान स्वरूप, एक कोई मूर्ख हो दिमाग नहीं उसको बोल तेरे दिमाग नहीं मानेगा, मूर्ख मानेगा नहीं, बोले मेरे दिमाग नहीं ना तेरे दिमाग नहीं, एक मूर्ख को मूर्ख बोलो ना स्वीकार नहीं करेगा, बोले मैं मूर्ख ना तेरे मूर्ख तू मूर्ख हो, बोले क्यों, क्योंकि भगवान पूर्ण ज्ञान स्वरूप है और हम उनके बच्चे हैं और भगवान आनंद स्वरूप है, इसलिए जिंदगी भर हम उसी आनंद की खोज करते हैं, जीवन में आनंद कैसे मिलेगा, कहते भैया मिलेगा कैसे, बोले श्री कृष्णाय भैरव नमः,
अगर तुम ठाकुर जी के शरण में जाओगे ना, तुमको ये तीन चीज की प्राप्ति होगी। इसलिए देखना कृष्ण का जितने सखी देखना, कृष्ण की जितना सखाओं को देखना, कितने उम्र में, 9 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल से कोई ज्यादा उम्र में नहीं। ललिता विशाखा कहीं देख लो, उनकी सखाओं को देख लो, एकदम उसी उम्र में। क्यों? आत्मा की यही उम्र है, आत्मा की यही उम्र है। लेकिन कब मिलेगा? जब ठाकुर जी की शरण में हम जाएंगे। और तीन चीज, तीन हो गया, कहते तापत्रय विनाशाय। बोले जगत में आने पर हमको तीन तरह का दुख उठाना पड़ता है। वो तीन दुख क्या है? आध्यात्मिक, आदि दैवी और आदि भौतिक। ये तीन तरह का दुख उठाना पड़ता है। आध्यात्मिक मतलब क्या है? कहते जो मानस की कष्ट है, देखना सारे बीमारी की दवा है, लेकिन जो मानसिक कष्ट का कोई दवा नहीं। और हम लोग मानसिक कष्ट तरह तरह से, कोई तन से दुखी, कोई मन से, कोई धन से, कोई परिवार से, कोई पैसा से, कोई बहू से, कोई सास से, कोई ननद से, तरह तरह का जो मानसिक कष्ट देखना ना, कोई नौकरी से, तरह तरह से मानसिक कष्ट है। लेकिन कहते भैया ये मानसिक कष्ट कैसे दूर होगा? ठाकुर का शरण में चले जाओ, हमारे सब दुख दूर हो जाएगी। दूसरा कष्ट है आदि दैवी, मतलब देवताओं के द्वारा जो दुख है। देवताओं के द्वारा दुख क्या है? जैसे भूचाल आ गई, महामारी, बाढ़ आ गया है, बाढ़ आ गई, कभी देवताओं के द्वारा जहां पर किसी चीज कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कभी ये कैसे दूर होगा ठाकुर का चरण में। और आदि भौतिक मतलब एक जीव से एक जीव को जो कष्ट है, मच्छर काट दिया, सांप काट दिया, हिंदू मुसलमान लड़ाई, देश देश में लड़ाई, ये जो तरह तरह का एक जीव से दूसरे जीव को जो कष्ट है, कभी आदि भौतिक है। कभी ये दूर कैसे दूर होगा? बोले ठाकुर जी की शरण में चले जाओ, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे दुख तुम्हारे दूर हो जाएंगे, केवल ठाकुर जी की शरण में। इसलिए बोले सब दुख दूर जाए जब तेरा नाम लिया है। इसलिए ठाकुर जी की नाम से सब दुख दूर हो जाता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। बोले एक समय श्री नारद जी, उन्होंने सर्वत्र उन्होंने भ्रमण किया, सर्वत्र भ्रमण किया तो उनको कहीं शांति नहीं मिली, कहीं उनको सुख नहीं मिला। उन्होंने देखा चलो हम श्री भारत में जाते, क्योंकि जो भारत वर्ष है ना, ये पुण्य भूमि है। भारत जैसे पुण्य भूमि दुनिया थे, दुनिया में कोई नहीं, इसलिए हमारे देश का नाम भारत। हमको बताए भारत का मतलब क्या है? भारत का मतलब क्या है? भा मतलब होता है प्रकाश, रत मतलब हर समय जो प्रकाश का तरंग पे रहते रहते हैं। बोले प्रकाश क्या है? बोले प्रभु का प्रेम, प्रभु की भक्ति ही प्रकाश है। इसलिए जो हर समय प्रभु की प्रेम और भक्ति में जो लग रहे थे, क्योंकि भगवान की जितने अवतार कहाँ हुआ है बताओ? कोई विदेश में कृष्ण जन्म लिए है? हमारे राम कहाँ पर जन्म लिए? अयोध्या में। हमारे कन्या कहाँ पर जन्म लिए? वृंदावन में। श्री नरसिंह देव कहाँ जन्म लिए? भारत में। देखना जितने भगवत अवतार सब भारत में हुए, और गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी कहाँ पर है? कहाँ पर बताओ? विदेश में नहीं, ये भारत में है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अयोध्या कहाँ पर है? भारत में। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ कहाँ पर है? भारत में। रामेश्वर, सत्यवंधु, द्वारका, पुरी कहाँ पर है? भारत में। इसलिए ये जो भारत भूमि को ना पुण्य भूमि मानी गई, एकादश स्कंध में देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते, बोले प्रभु आप कृपा करके हमें भारत में जन्म दो, ये भारत भूमि में जन्म दो। बोले क्यों? कहते भारत भूमि पुण्य भूमि है, इसलिए भगवान राम कहते हैं बड़े भाग मान सतन पावा और सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। कहते देवताओं के लिए भी यहाँ पुण्य कर्म करके स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में ऐसे कोई कर्म नहीं जो पुण्य कर्म करके तो फिर भारत में इंसान जीवन पा सकते। मतलब ये इंसान का जीवन भारत में पाना तपस्या करना पड़ता है। इसलिए आप लोगों जो जन्म हुए भारत में, समझो बड़ी भाग्यवान है।
जो हमें भारत में जन्म हुई और उसमें जो संतों की जो संग है ना, उससे तो और दुर्लभ है, और दुर्लभ है। और ये जो भागवत कथा जो सुन रहे ना, ये तो अत्यंत अत्यंत दुर्लभ ये भागवत कथा सुनना। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, बोले स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस। मतलब जो सौभाग्य आज हमें मिला है ना, कहते भैया स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनको भी ये कथा सुनने को नहीं मिलता। बोले देवता की बात छोड़ दो, ब्रह्म लोक में जन्म लेने पर भी वहां भी नहीं मिलती है। बोले ब्रह्म लोक की बात छोड़ दो, कैलाश लोक में जन्म लेने पर भी नहीं मिलती है। बोले कैलाश की बात छोड़ दो, वैकुंठ में भी ये रस नहीं है। अगर देवता को कथा सुनना पड़ता है तो मर्त्य जगत में आना पड़ता है, ब्रह्मा ब्रह्मानी को कथा सुनना तो मर्त्य जगत में आना पड़ता, अगर शंकर पार्वती को अगर कथा सुनना पड़ता तो इसी मर्त्य जगत में, अगर गरुड़ हनुमान जी को कथा सुनना पड़ता तो वो भी वैकुंठ छोड़कर के इसी जगत में आते हैं कथा सुनने के लिए, हैं इसी जगत में कथा। इसलिए हम लोग देखो, देवता को देव लोग छोड़ना पड़ा, ब्रह्मा जी को ब्रह्म लोग, शिव को शिव लोग, गरुड़ हनुमान जी को वैकुंठ छोड़ना पड़ा। लेकिन यहाँ के भक्तों को टेगोरी गार्डन के भक्तों को घर छोड़ना पड़ा आपको नहीं। ये कथा रूपी गंगा बहते बहते हमारे घर के सामने आ गई और हम घर में बैठ बैठ कर कथा रूपी गंगा में हमने स्नान कर लिया। इसलिए समझो हमें बड़ी पुण्यात्मा जो बैठ करके हम यहाँ भागवत कथा सुन रहे हैं। बोले श्रीमद भागवत कथा मृता की जय में आनंद दिया था। हम लोग एकदम ऐसे जय देते हो जैसे खाए, आज क्यों व्रत रखे हो नहीं है ना, पर ये जय क्यों नहीं निकल रहा है, जोर से बोलो। श्रीमद भागवत कथा मृता अभी लग रहा है कथा। देखो इसलिए श्री नारद जी जब मर्त्य जगत में आए, इन्होंने देखा सब जगह पर ये कली सब जगह पर प्रभुत्व विस्तार करके बैठा हुआ है। तीर्थ स्थान में गए, देखा जितने मुसलमान सारे मंदिर को तोड़ फोड़ करके वहां पर बैठे हुए, जितने उन्होंने तीर्थ में गए सब जगह में पाप ही पाप था। सोचा वृंदावन धाम में चलता हूँ, ये ठाकुर का धाम वृंदावन। जब वृंदावन धाम में यमुना किनारे में आए, आश्चर्य घटना देखा, एक सुंदरी एक युवती बैठी, दोनों तरफ में एकदम दो बूढ़े, शरीर एकदम चमड़े ढीले हो गए, केस एकदम सफेद हो गया, अचेत होकर के पड़े हुए, और वो जो बीच में एक सुंदरी जो किशोरी बैठी हुई बड़ी दुखी हो रही है, उनको जगाने के लिए कोशिश करती है लेकिन जग नहीं रहे, दर्शन होता है। इसलिए हमारे अहोभाग्य है आज जो आपका दर्शन मिला। नारद जी बोले देवी आप कौन हो? बोले नारद जी आप मेरे को पहचान नहीं रहे हो? बोले नहीं, ये लगता है कभी तो देखा आपको लेकिन याद नहीं आ रहा है। बोले देखो नारद, मैं भक्ति हूँ, ये जो दो बेटे हैं ना, एक ज्ञान एक वैराग्य है। देखो जगत का नियम है, माँ होती है वृद्धा, बच्चे होते हैं जवान, लेकिन मेरी दुख तो देखो, माँ तो युवती और मेरे दो बच्चे देखो बूढ़े हो गए। बोले ऐसे कैसे हुए? बोले उत्पर्णा द्रविड़े साहब, बोले द्रविड़ देश में मेरी जन्म हुई, वृद्धि करना टके कत्ता, कर्नाटक में जाकर के बड़ी हुई। बोले कोचीत महाराष्ट्र में भी मेरे को कहीं आदर मिली, लेकिन जब मैंने गुजरात में गई एकदम मैं गुजरात में बूढ़ी हो गई। बोले क्यों? बोले गुजरात इतने नास्तिक देखता, अगर कोई वहां पर देख ले कोई चोटीधारी कोई तिलकधारी गले में कट्टी पहना हुआ, गले में कट्टी पहना बोले कौन सा पाप, क्या गले में लकड़ी पहना, अगर तिलक लगा लिए तो बोले बुगला क्या ठाटी कर दिया है, बोले चोटी हो तो बोले कोई एरियाल है। जब तक उसको देश से खदड़ नहीं देंगे साधु को, तब तक उसको पीछा नहीं छोड़ते थे। इतने नास्तिक देश, किसी घर में ठाकुर का पूजा नहीं, कहीं तुलसी पौधा नहीं, बड़ी नास्तिक लोग, बड़ी केवल दूसरों को निंदा चर्चा चुगली में जीवन बिताया करते थे। भक्ति देवी कहती है वहां आकर मैं बुरी हो गई, क्यों? आदर करने वाले नहीं। लेकिन जब वृंदावन में आ गई बोले भक्ति नृत्य जाता था वृंदावन में, तुम्हें हरी भरी हो गई। बोले क्यों? बोले वृंदावन मतलब क्या? वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब वन, जहां पर तुलसी का वन है ना
वही ठाकुर जी। इसलिए हर घर घर में तुलसी पौधा होनी चाहिए। अब सबके घर में तुलसी है, किसको किस घर में तुलसी है? घर में तुलसी वृक्ष होना माँ लक्ष्मी की निवास होती है, ठाकुर जी का निवास वहीं पर हो जाती है। और वृंदावन मतलब, वृंद मतलब समूह, वन मतलब जहाँ भक्तों का समूह है। वृंदावन मतलब कभी राधा जी का एक नाम वृंदावन मतलब है, वो जो वृंदावन नहीं राधा रानी का वन है। इसलिए राधा रानी कहती है आने हृदय मन मोर मन वृंदावन। राधा रानी कहती है ये वृंदावन नहीं, ये राधा रानी स्वयं कृष्ण सेवा के लिए अपना हृदय को बिछा कर रखी, ये वृंदावन नहीं राधा रानी की ये हृदय है। कहते वहां आकर के तो मैं एकदम जवानी बन गई, लेकिन मेरे तो दो बेटे है ना ये बूढ़े हो गए। बोले बूढ़े क्यों हो गए? बोले यहाँ पर ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाले नहीं, इसलिए कि ज्ञान वैराग्य तो बूढ़े हो गए। यहाँ पर भक्ति को आदर देते हैं, और भक्ति के दो बेटे क्यों? बोले अगर कोई भक्ति करना चाहते हैं आपको दो बेटा होनी चाहिए। कौन कौन? एक ज्ञान और एक वैराग्य। बोले भैया ज्ञान वैराग्य तो प्रभु मिलते नहीं। यदि यहाँ जो ज्ञान है ये भक्ति युक्त ज्ञान, जैसे हम कथा सुन रहे हैं ये भी तो ज्ञान है, लेकिन ये भक्ति को पुष्ट करने वाले। और वैराग्य मतलब ठाकुर जी के प्रति विशेष अनुराग। इसलिए कहते हैं भक्ति की दो बेटे हैं, अगर ये दो बेटे बूढ़े हो जाए ना भक्ति फिर रोती रहे, भक्ति फिर बढ़ेगी नहीं। इसलिए हमें तत्व ज्ञान की जरूरत है, प्रभु की चरण में अनुराग की जरूरत है, तब तक ये भक्ति नृत्य करते रहेगी। नारद जी बोले कोई चिंता मत करो, तुम्हारे दोनों बच्चे को हम जवान बना देंगे। बोले अगर जवान बना दिया ना तेरी हृदय छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा। नारद जी उनकी कानों में वेद पुराण उपनिषद एक एक कर सुनाया, लेकिन उन्हें चेतना नहीं हुई। गीता सुनाया तो थोड़ी सी चेतना तो हुई, फिर धड़ाम करके गिरे। नारद जी बोले हे भैया गीता तो ठाकुर जी के मुंह से निकले, इससे भी ज्ञान नहीं हुई। सर्वत्र उन्होंने पूछे कोई सही जवाब नहीं दे पाए, लेकिन जब चतुर्सेन से मिले केवल भागवत कथा सुना, ये भागवत कथा से ज्ञान वैराग्य चेतनता आएगी। बोले आप ही कथा सुनाओ। बोले कहाँ सुनाएंगे? बोले हरिद्वार में कथा सुनाओ। हैं जब हरिद्वार में कथा हुई सुने, स्वर्ग से देवता लोग भी आए, जितने बड़े बड़े साधु संत जितने नदी तीर्थ सबके सब आए। जब कथा करने जा रहे थे स्वर्ग से देवता लोग भी प्रसन्न होकर के स्वर्ग से पुष्प की बौछार की और नागड़ा दुंद भी बजाए। बोले श्रीमद भागवत कथा वृंदावन की जय। देवता लोग जयकार दे रहे, आप यहाँ पर बैठ कर जयकार नहीं दे रहे, जोर से बोलो बोले श्रीमद भागवत कथा वृंदावन की। देखो इसका मतलब था, मतलब है अगर कहीं भागवत कथा होना ये देवता लोग भी खुश हो जाते। बोले भागवत कथा हो रही है, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। दूसरी शिक्षा है जहाँ कथा होती है आप लोग ये मत समझो केवल हम ही बैठे, नहीं वहां पर सारे देवता लोग भी आकर के बैठ जाते। देवता ऋषि मुनि पवित्र नदी भी आकर के कथा सुनते हैं। बोले एक समय कोई संत कथा सुना रहे थे, कहीं पैंडल लगा हुआ था कथा हो रही थी, वो संत कथा सुनने के लिए आए। जब सुनने के लिए आए उनने पैंडल बाहर से देखा, वो सचमुच से शुद्ध साधु थे। देखा जितने गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी अयोध्या मथुरा माया मूर्तिमान रूप में बैठ कर कथा सुन रहे, और देखा जितने इंद्र चंद्र भाई वरुण सबके साथ बैठे हुए वहां पर के सरिसो फेंकना तभी नीचे नहीं गिरेगा। उन्होंने सारे तीर्थ देवता को उन्होंने दर्शन किया, फिर उन्होंने प्रणाम किया है। इसका मतलब कहीं कथा हो रही ना, जिसको जांच स्थान मिलता है वही आकर के बैठ करके हाथ जोड़ करके प्रेम से गदगद होकर के सबके साथ ये कथा श्रवण करते हैं। यहाँ पर भक्ति देवी भी दोनों बच्चों को लेकर के आ गए। बोले भैया मुझे भी कोई स्थान दो। बोले आपका स्थान है ये जितने श्रोता बैठे ना इनका हृदय। भक्ति देवी कौन? ये राधा रानी, भक्ति देवी राधा रानी। इसका मतलब है जो कथा सुनते हैं उनके हृदय में राधा जी की निवास हो जाती है। अगर राधा रानी किसके हृदय में बैठ बोले आनंद ही आनंद है। राधा रानी रात्रि शक्ति स्वरूपिणी, वो प्रेम स्वरूपिणी आनंद देने वाली है, सबके सब आनंद में विभोर होकर के सबके सब कीर्तन कर रहे थे कथा कर रहे थे। जब ये कथा विश्राम हुई ज्ञान वैराग्य अत्यंत शुष्क होते हैं,
लेकिन एक कथा में इतने रस है ना, जैसा आप नाच रहे थे ना, अभी सब खड़े होकर नाच रही थी, ज्ञान वैराग्य जवान बन गए और कृष्ण स्वयं गोलोक वृंदावन से अपना राधा जी को साथ में, सखियों को साथ में प्रकट हो गए। श्री नारद जी वीणा बजा रहे थे और श्री अर्जुन पखवज बजा रहे थे और स्वयं सुखदेव गोस्वामी जैसे जैसे कीर्तन हो रही थी, सुखदेव गोस्वामी वैसे वैसे नृत्य कर रहे थे और धूमधाम से कीर्तन हो रहा था। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। ध्यान से सुनो,
और पत्नी का नाम थी धुंधुली, पत्नी का नाम थी धुंधुली, धुंधुली मतलब अज्ञान अंधकार, और पति कौन बल आत्मदेव, आत्म तत्व में जागृत है। देखना ये संसार में भी कभी कभी ऐसे होता है, कभी कभी पत्नी, पति तो आत्मदेव, पत्नी कभी कभी धुंधली, धुंधली मतलब अज्ञानी अंधकार, जिसको भक्ति, भक्ति से कोई मतलब नहीं। पति अगर भक्ति करे, पत्नी को कोई भक्ति रुचि नहीं, लेकिन कभी कभी पत्नी आत्मज्ञान होती है, बड़ी भक्ति में, भजन में बड़ी रुचि, लेकिन कभी कभी पति है ना बड़ा धुंधली, धुंधकार निकलता है। पति को भजन में रुचि नहीं, लेकिन वे लोग बड़े सौभाग्यवान जो पति भी आत्मदेव और पत्नी भी आत्मदेवी, दोनों को प्रभु की भजन में रुचि। अगर दोनों को प्रभु का भजन में रुचि होना, फिर पटरी बढ़िया चलती, गाड़ी बढ़िया चलती है। अगर पत्नी अगर भक्ति करती, पति को रुचि नहीं, पत्नी बोली कि चलो थोड़ी सत्संग में जाते, बोले क्या सत्संग, सत्संग करते हो है? लेकिन अगर पति भी भक्ति करते पत्नी नहीं, फिर देखना दोनों बड़ा कठिन है। दोनों अगर भक्ति करते तो बढ़िया, संसार एकदम हरा भरा है, वो संसार नहीं, जिस संसार में प्रभु की भजन पूजा पाठ हो ना, कोई घर ही वृंदावन है, कोई घर ही भगवान की धाम बन जाती है। जिस घर में ठाकुर का भजन पूजा कीर्तन हो, वो घर भगवान की धाम बन जाती है। अभी पत्नी बड़ी अज्ञानी है, बड़ी अज्ञानी पत्नी, लेकिन घर में सारे सुख है, लेकिन घर में कोई संतान नहीं, इसलिए आत्मदेव बड़ा दुखी है। घर में की संतान की जन्म हो है, कोई फल अगर घर में लाए सड़ जाए, कोई गैया को लाए गैया बच्चा जन्म नहीं दे, कोई पेड़ लगाए पड़े में फल नहीं हो, पूर्वजों को कोई वस्तु दे लगता है मानो कोई गरीबी चीज दे रहे हैं। अभी दुनिया के लोग निंदा करते, इनका मुंह मत देखा करो, इनकी संतान नहीं, बेचारा बड़ा दुखी है। लेकिन वो था बड़े कंजूसिया, कभी भी उसने एक पैसा कहीं सत्संग में, कोई दुखी दरिद्र सेवा में, ठाकुर सेवा में कभी नहीं लगा करता था, केवल जोड़ता 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 जा रहा था। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, जो पैसा है ना ये लक्ष्मी है, पैसा लक्ष्मी, लक्ष्मी किसकी, नारायण, लक्ष्मी नारायण की। ये लक्ष्मी कब घर में शांति सुख देगी, जब लक्ष्मी को हम नारायण की सेवा में अच्छे काम में लगाए, तब लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती, बोले बेटा मेरे को मेरे पति सेवा में लगाए, वो फलते फूलते सुख शांति। लेकिन लक्ष्मी को अगर हम भोग करना चाहे, लक्ष्मी को थोड़ी तुम भोग कर सकते हो, लक्ष्मी तो भोग नारायण कर सकते हो। अगर इसका मतलब है अगर वो पैसा से ठाकुर को सेवा नहीं हो, कहते भैया जितने करोड़ करोड़ पैसा आ जाए वो कभी संसार में शांति सुख नहीं देगी, तरह तरह का दुख कष्ट बीमारी अशांति ले आई। लेकिन वो केवल जोड़ता रहता, केवल जोड़ता जोड़ता पैसा को, एक पैसा जैसे हाथ से निकल नहीं जाए, भूल से निकल नहीं जाए। इसलिए घर में सब कुछ रहते हुए भी घर में शांति सुख नहीं, घर में कोई आनंद नहीं। एक दिन वो बड़ा दुखी हो गया, दुखी होकर के उसने आत्महत्या करने के लिए गया। लेकिन जब कोई भगवान कृपा करते हैं ना, संत रूप में नहीं तो ब्राह्मण रूप में आते हैं। भगवान ने देखा घर में सब सुख है, घर में हर चीज, लेकिन संतान नहीं है ना, इतनी सी बात है ना, बोले भैया ठाकुर को अपना बच्चा मान लो ना। अगर भगवान ने संतान नहीं दिए, ठाकुर जैसे कोई बच्चा होगा, भाई ठाकुर जैसे कोई लाला होगा। देखो आपको एक सही घटना सुनाता हूँ। कोई एक माता जी थी, जिंदगी भर गोपाल की सेवा सारा जीवन, और लास्ट में जाकर के वृंदावन वास की, और गोपाल जी को स्नान करना श्रृंगार करना, बड़ी सुंदर उनको पलने में झुलाना, रोज पूरा उनकी सेवा में जीवन बिता दी। लेकिन अभी एकदम वृद्धा हो गई, अभी उनको कौन देखेगा, स्वयं ठाकुर जी देखते थे, उनके लिए पानी भर कर लाते थे, सब्जी लाते थे, रोसी बनाते थे, घर साफ करते थे, ठाकुर जी स्वयं स्वयं ठाकुर जी सेवा करते हैं। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जो जिंदगी भर ठाकुर को तन मन धन से सेवा करेगा, जब वो वृद्धा हो जाएगी, कृष्ण कहते मैं सेवा करूंगा, क्योंकि तुमने मेरे जिंदगी भर तुमने मेरी सेवा की है, अभी तुम्हारी सेवा को मेरे को करना पड़ेगा है। इसलिए अगर संतान नहीं, दुखी मत हो, ठाकुर जी को अपना बेटा बना दो, ठाकुर जी को अपना। लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं बोले भैया बेटा बुढ़ापा अवस्था में बुढ़ा हमारे लपटी बनेगा लाठी बनेगा, नहीं, ये इच्छा तो मत रखा करो। आप किसकी सेवा लेने की इच्छा मत रखा करो, ये इच्छा रखो कभी किसकी सेवा जैसे लेना नहीं पड़े, चलते फिरते उठते बैठते पास ठाकुर के पास में चले जाए, किसकी सेवा जैसे लेना नहीं पड़े। लेकिन ये होगा कैसे,
तो भागवत कहता है अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम अनाराधित तो गोविंद शरणम खत्म करे। इसका मतलब है तभी ये जीवन शांति से बीतेगी, तभी ये जीवन सुख से बीतेगी, केवल प्रभु की भजन से भक्ति से तभी जीवन तुम्हारी बढ़िया बीतेगी। अभी ठाकुर जी स्वयं साधु वेश में आए, बोले बेटा क्या बात है क्यों रो रहे हो? बोले घर में कोई संतान नहीं। बोले तुमने सगर महाराज का नाम सुना? बोले हाँ। बोले बताओ तो कितने बेटे थे? बोले 10,000। बोले 10,000 बेटे थे उनको शांति मिली? बोले चित्रकेतु तो महाराज का नाम सुने? बोले हाँ। बोले बताओ उनका क्या हुआ? ऋषि की कृपा से एक संतान हुए, उन्होंने 1 करोड़ में शादी की। आज जिस रानी के बच्चे हुई ना, राजा उसको थोड़ा ज्यादा प्रेम किया और जितने उनकी सौतनी थी वो जहर मिलाकर बच्चे को खिला दिया। लास्ट में राजा ने फिर संत आए, फिर समझाए उनको, फिर प्रभु का भजन किया तो उनकी मुक्ति मिली। बेटा कोई बात नहीं, संतान नहीं, ठाकुर जी को अपना बेटा मान करके ठाकुर जी को सेवा करो। ठाकुर जैसे दुनिया में कोई बच्चा मिलेगा ऐसे? बोले नहीं, हमें तो संतान चाहिए। संत ने कहा देख बेटा, मैं अपना दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, तेरी ललाट में लिखा हुआ 7 जन्म तक बच्चा नहीं। बोले हे भगवान, 1 जन्म में बच्चा नहीं, इतना कष्ट कर तो 7 जन्म में नहीं। बोले जब आप ये बात बता सकते हैं ना, आप हमें बच्चे भी दे सकते हो। उनके चरणों को पकड़ कर रोने लग गए, उन्होंने एक पेड़ से फल लिया, मंत्र पूत करके दे दिया। बोले देख बेटा, ये बच्चे पत्नी को खिलाना, याद रखो पत्नी को। उनका जो पत्नी धुंधुली थी ना, सवेरे उठ करके जब तक पड़ोसी को साथ में तू मैं नहीं कर ले, तब तक उसे पेट की रोटी नहीं हजम होती, बिना कारण की झगड़ा करने वाली थी। बोले पत्नी को बोलना, गर्भ में जब बच्चा हुए, माता है ध्यान दे कृष्ण, गर्भ में जब बच्चे हो ना, एक गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार मतलब गर्भ में जब बच्चा हो, अगर आप गीता पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, भगवान की कथा सुनोगे ना, वो बच्चा इतने बड़ा संत बन करके आएगा, जब तक जिंदा रहेगा तुम्हारी सेवा करेगी, पिता माता की आज्ञा को पालन करेगी। अगर गर्भ में बच्चे रहते समय माताएं डिस्को डांस, उल्टा पुल्टा गंदी फिल्मी देखे ना, वो बच्चा डाकू बन के जाएगा। देखो आप लोग रामायण, आप लोगों ने रामायण में जिस समय माता सीता गर्भवती थी, रामायण देखे होंगे, गर्भवती थी, भगवान राम दिखा, सारे ऋषि मुनि लोग आए, सारे ऋषि मुनि लोग वहां पर आए और उन्होंने रामचंद्र ने सत्संग रखवाए और सीता के लिए एक आसन दिए। बोले सीते तेरे को पता है ये साधुओं को हमने क्यों बुलाए? बोले नहीं। बोले देख सीते, अभी तुम गर्भवती हो, अगर तुम सत्संग सुनोगे ना, संतों की ज्ञान की बात सुनोगे, बच्चे बड़े ज्ञानी बन करके आएंगे। आप लोग देखे होंगे, लव कुछ देखे कि नहीं, राम की कथा, राम दरबार में कितने छोटे छोटे बच्चे जिसको राम भी सुनकर भी गदगद हो रहे थे। आप लोगों ने महाभारत देखे होंगे, जिस समय अभिमन्यु, अभी द्रोणाचार्य ने चक्र व्यूह की रचना की, केवल अर्जुन को सिवाय कोई नहीं जानता है, अभिमन्यु बोले मैं भेद कर सकता। बोले कैसे? बोले मैं जब अपना माँ की पेट में था, सुभद्रा की गर्भ में, एक दिन मेरे पिता माता मतलब अर्जुन और सुभद्रा सो रहे थे, इतने में सुभद्रा प्रश्न करती है अर्जुन को, ये चक्र व्यूह किया है, थोड़ी सी मेरे को सुनाओ। उन्होंने सुनाया कैसे चक्र भेद करते हैं, लेकिन इतने में सो गई सुभद्रा, सो गई, अर्जुन देखा तो सो गई, उसने कैसे निकलेगा ना, हमको बात नहीं बताया। अभिमन्यु कहता है मैं मैया को पेट में बैठ बैठ कर सुन लिया, इसलिए मैं तो भेद कर सकता हूँ, वापस नहीं आ सकता। मतलब आप समझ गए कि नहीं? इसका मतलब है अगर आपके पेट में बच्चा है, आप गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, भगवान की कथा देखो ना, बच्चा इतने संस्कारी बनेगा, उसको पर सारे संस्कार पड़ता है उसको पर में, हैं? इतने संस्कारी बनेगा बच्चा, तुम्हारी नाम को सारा दुनिया में उजाला कर देगा। इसलिए इसको कहते हैं गर्भ संस्कार, हैं? इसको गर्भ संस्कार। अभी अभी वो तो झगड़ा करने वाली, बोले पत्नी को बोलना गीता भागवत पढ़े, उन्होंने फल ला करके पत्नी को दिया, वो तो बड़ी दुखी हो गई। बोले कहाँ से फल ले आए? कहते गर्भधारण करोगी,
ये पुरुषों को क्या पता गर्भधारण में क्या कष्ट होता है। 9 महीना तक मैं इधर उधर डोल नहीं पाऊंगी, बढ़िया बढ़िया खा नहीं पाऊंगी, गुंडा बदमाशी आए तो फिर भाग नहीं पाऊंगी। फिर सुना सुखदेव गोस्वामी 16 साल तक थे गर्भ में, फिर प्रसव यंत्रणा, फिर लालन पालन करना, कितने कष्ट है। जगत में कोई सुखी है ना, बांझ नहीं तो विधवा। इतने में उसकी सहेली आई, उसने सहेली को सारी बात बता दी। सहेली बोली चिंता मत करो, मेरे पति को पास में पैसा नहीं, तेरे पति को पास में पैसा, मेरे को थोड़ा पैसा दे दे और ये फाल को गैया को खिला दे और तू पेट में कपड़ा बांध करके सोते रहो, जब मेरा बेटा होगा ना छुपा करके दे जाऊंगी। उसने सचमुच से ऐसे कर दिया। जब ऐसे किया, अभी बेटा हुआ तो स्तन में दूध नहीं कि सत्ता तो है ही नहीं। बोले मेरे सहेली की बच्चे हुई है वही आकर के पालन करे, जिसकी बेटा वही पालन कर रही थी। लेकिन ये गैया कभी भी जन्म नहीं थी बछड़े, क्यों? वो बांझ थी। संतों का फल है ना, कभी बर्बाद नहीं जाएगा, संतों का फल तो फलीभूत होगा है। अभी गैया ने बड़ा सुंदर एक बच्चा जन्म दिया, कान केवल गैया और शरीर राजकुमार जैसे। दुनिया बोले भैया ठाकुर जब देते नहीं, देते नहीं, जब देते हैं, जब देते हैं छपर फार करके देते हैं ठाकुर जी। देखो गैया भी बच्चा दिया और उनका भी अपना बच्चा हुआ, दुनिया देखने के लिए आए। देखो एक छोटी स्टोरी सुन लो, ठाकुर कैसे छपर फार कर देते हैं। दो पति पत्नी थे, बड़े भक्त, बड़े भक्ति करने वाले। एक दिन पति शौच क्रिया में गया, जा करके जब हाथ मिट्टी से साफ करते ना, जब जहां से उन्होंने मिट्टी उठाया देखा वहां पर एक ढक्कन था, वो ढक्कन निकला तो देखा एक सोने की कलसी है जिसमें हीरे जवाहरात से भरा पड़ा हुआ। लेकिन वो भक्ति भजन करने वाले थे, बोले राम 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 राम, सबरे माया की दर्शन हो गई, छोड़ करके आ गया और पत्नी को ये बात बताया। लेकिन बाईचांस कुछ चोर उसका घर में पीछे बैठे हुए थे और सुन लिया, बोले भैया बड़ा बेकूफ है, हीरे जवाहरात को कलश को छोड़ करके आ गया, अच्छा हो गया हमने सुन लिया, चलो उसको उठा करके ले आते। जब गए उसका ढक्कन खोला ना, देखा जहरीले सर्प उसका अंदर में, ततैया बिच्छू भरा पड़ा हुआ। बोले भैया ये तो बड़ा बदमाश है, ये तो हमें मरवाने के लिए बात को बताया, चलो इसको उठा करके ले जाएंगे और इसको घर में फेंक करके आएंगे। लेकिन वह संत थे ना, इसलिए देख रहे थे हीरे जवाहरात, ये तो गुंडे बदमाश थे, चोर थे, इसलिए उनको बिच्छू जहरीले सर्प ततैया दिखे। उन्होंने कलसी को उठाए और छत के ऊपर में गए और करत से उसको छत को काटे, काट करके उन्होंने घर को ऊपर फेंक दे, फेंक कर जब नीचे गिरा वो जो मिट्टी का कलसी फट गई और घर में सोने चांदी हीरे जवाहरात घर में एकदम बिखर गया। उसने कहा भैया जब ठाकुर देते नहीं, देते नहीं, जब देते हैं छपर फार करके ठाकुर जी देते हैं। बोले कोई बात नहीं, हमने छोड़ करके आ गए थे, जब ठाकुर जी की इच्छा से आ गई कोई बात नहीं, रोज भंडारा करो, ठाकुर जी को भोग लगाओ और दुखी दरिद्र को सबको ठाकुर जी का प्रसाद दो। रोज उन्होंने चकाचक उन्होंने ठाकुर को भोग लगाकर सबको उन्होंने प्रसाद खिलाए। अभी अभी दोनों बच्चे बड़े हुए, एक तो संत को धोखे दिए और एक संत का फल को खाए। इसका फल कैसे होगा? अभी दोनों बच्चे जब बड़े हुए, जो संतों की कृपा से जो गोकर्ण हुए, इतने ज्ञानी, इतने विद्वान, इतने पिता माता को आदर करने वाले, सबको सम्मान, ज्ञानी विद्वान बना। लेकिन जो दूसरा जो बच्चा हुआ ना, वो धुंधुकारी महाकाल, इतने दुष्ट बना, किसी बच्चे को कुएं को पास में देख धक्का मारकर गिरा दे, हैं धक्का मारकर गिरा दे, किसी घर में आग लगा दे, चोरी करे, शाम होते ही 15-20 शिकायत, आत्मदेव तेरे बेटा ने आग लगा दी, मेरे बच्चे को कुआं में डाल दिया, घर में चोरी की। अभी आत्मदेव का ज्ञान आया, संत समझा रहे थे ना, संतान से सुखी नहीं बनोगे, सुखी बनोगे प्रभु की भक्ति से। अभी संतों की कथा याद आया, भैया संत सही बता रहे थे, संतान से सुख नहीं, देखो संतान नहीं तो एक दुख, लेकिन इस संतान होकर के अगर पिता माता की सेवा नहीं करे और बदमाश बन जाएंगे उसमें दो दुख है, उसमें दो दुख, संतान नहीं तो एक दुख, लेकिन संतान होकर अगर बात नहीं मानता है, उल्टा पुल्टा करता है, उसमें दो दुख आ जाता है, उसमें डबल दुख हो जाता है। अभी संतों की बात याद आई,
गोकर्ण के पास में गया, बोले बताओ अभी मेरी मुक्ति कैसे होगी, कल्याण कैसे होगी। गोकर्ण बड़ी सुंदर सुंदर ज्ञान बताई, बोले देखो पिता, स्वर्ग के राजा भी सुख नहीं, पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा भी सुखी नहीं, स्वर्ग का इंद्र भी सुखी नहीं। पिता, सुखी तो वही है जो जितने प्रभु की भजन करता है, वही केवल सुखी। पिताजी, अगर जीवन में शांति सुख पाना चाहते हो, ये माया ममता मोह का त्याग दो, त्याग देकर संत की शरण में जाओ और भगवान की कथा सुनो, भक्ति करो, आपकी पूर्ण शांति पूर्ण आनंद मिलेगी। पिताजी घर छोड़कर चले गए और प्रभु की भजन करके मुक्ति मार्ग को देखे। घर में मां रह गई, एक दिन मैया को इतने पिटाई उसने किया, इतने पिटाई की मैया को, बोले बता पिता कहाँ पैसा रख करेंगे, बोल शराब पींदा, मां से कहूंगा पैसा दे जुआ खेलूंगा, कहाँ पिताजी रख कर गए। बोले हे भगवान, मैंने डाकू को पाल लिया, उसने कुएं में आत्महत्या की, उसने छह छह बेस्या को बुला कर लाए, कोई बोले अलंकार दो, कोई बोले गहना दो, बोले साड़ी दो, उसने राज दरबार में डाकू डाल कर बहुत पैसा लाए। अभी बेस्या ने देखा सवेरे होते ही फिर तो सीआईडी लग जाएंगे, सीआईडी लग जाएंगे, पकड़ गए तो जेल जाएंगे। उन्होंने रात को छह बेस्या आक्रमण की, आक्रमण करके बुरी तरह से गले में फांस लगाई, चार हाथ प्यार को पकड़ करके जलते हुए अगार से बुरी तरह से मारे, घर में गड्ढे खोद करके ताड़ दिए और चले गए। देखो हमारे पास में भी छह बेस्या, जानते हो छह बेस्या को, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, हमारे पास में भी छह बेस्या, ये चार तरफ में छह तरफ में हमें ये खेच रहे हैं, छह तरफ में काम काम का तरफ में, लोग लोग मोह मोह माया माया की तरफ में खेच रही है। अभी उसने घर में काट करके चली गई, प्रेत बन गया। एक दिन गोकर्ण आकर के देखा प्रेत बना हुआ, बोले तेरे नाम पर गया मैं पिंड दिया, मुक्ति नहीं हुई। बोले भैया मैंने इतना पाप किया ना, सौ बार भी पिंड दो तो मुक्ति नहीं मिलेगी। सूर्य देवता को प्रश्न की, बोले केवल भागवत से मुक्ति मिलेगी। फिर उन्हें सबको बुलाया, बुला करके सात गांठ की बांस गांठ दी, सात दिन में सात गांठ फट गई और वैकुंठ से रथ आया। ये बड़ा सुंदर उन्होंने एकदम विष्णु दूत बन करके जब वैकुंठ जा रहा था, इतने में गोकर्ण ने कहा देखो यहाँ पर भी इतने लोग बैठे हुए, सबके लिए रथ क्यों नहीं लाए, एक के लिए क्यों रथ लाए। तो उन्होंने बताया देखो केवल कथा में बैठने पर नहीं होता है, मन देकर कथा सुननी चाहिए। देखो ध्यान से भी सुन लो, कथा कैसे सुननी चाहिए तभी हमें भगवत प्राप्ति होगी। पहला बात बताए, बोले विश्वास गुरु वाक्य से। पहला नंबर है कि जो भागवत ऊपर में तुम्हारे पहले विश्वास हो, क्योंकि विश्वास के बगैर फल नहीं देता है। और दीनहीन होकर के एक मन से कथा सुननी चाहिए तभी ये कथा फल देती है, नहीं तो कथा फल नहीं देती है। बोले यहाँ पर केवल एक मन से ये धुर्दुकारी केवल कथा सुना, इसलिए रथ आए। तो गोकर्ण ने कहा देखा हमने कथा सुनी फल नहीं मिला, फिर कल से मैं कथा सुनाऊंगा, आप लोग एक मन से सात दिन सुन लो, बात सीधा हाथ भगवान के पास में चली जाएगी। दूसरे दिन से जब कथा सुनी, सब लोग एक मन से कथा सुने। हाँ देखो कथा सुनने का नियम है,